ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية سورة الحاقة آيات ان آیات پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی قوموں کو पलटा है तबाह किया है फासऊ रसूल रबी उनका जुर्म यह था कि अपने रब के भेजे हुए पैगंबर की नाफरमानी की बहुत तेज़ नहीं हो गई आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर दें उन्होंने अपने पैगंबर की जिस जो अल्लाह के नुमाइंदे थे उनकी नाफ़रमानी की फ़ा हम अखबिया अल्लाह ने उनको पकड़ा बहुत बड़ी पकड़ में क़ुरान में दूसरी जगह आता है इन अखद रब्बी ही रब्बी का क्या आता है वक़ाली का अखद रब्बी का इज़ा अखदल क़ुरा इसी तरह तेरे रब की पकड़ है जब वो बस्तियों को पकड़ता है तो दुनियादार आदमी और अल्लाह का नाफ़रमान आदमी ये देख कर के कोई अजाब नहीं आता इस ख़ुश फहमी में मुबतला हो जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला हज़रत हकीम अख्तर साहब रिमल अल्ल ने एक वाक़ बयान किया अपने बयान के दौर में कि साहब थे जो अल्लाह ने दौलत बहुत दी तालीम भी थी पैसा भी था तो वो सुबह शाम मौलवियों को बुरा भला कहते रहते थे नमाज़ रोज़ा इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तालीम भी है वसाइल भी हैं तो दुनिया में सबसे फजूल काम उसको नमाज रोज़ा लगता है वो समझता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं। उनको बोलो दाढ़ी तो बहुत आगे की चीज़ है फिर तो हज़रत ने फरमाया कि उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई पेट का कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उस पेट के कैंसर में जूसेस पिलाए जाते थे यहीं से डॉक्टरों ने नलकी लगा दी यानी ऊपर से भी नहीं खा सकते थे कि यह ये कैंसर यहाँ तक पहुँचा है ये यह यहाँ कोई नई यह रसूली निकली है वल्ला इधर देखो अजय इधर ये क्या करने आई है बेचारे यह ये यह यहाँ क्या कर रही है ये छिटांकी है चलो शाबश बस वो देखो सलाम करो सबको ये इसका नाम है छटांकी जा जाओ बेटा इसको घर ले जाओ ये यह यहां कहां से आ गई तो फ़दह अतर राबिया वो उन्होंने फरमाया कि कोई पेट का कैंसर हो गया उसको देखो बच्चे जब पैदा होते हैं ना मैं जिन जिनकी शादी हो चुकी है ना और वो कहते हैं बच्चे नहीं होने चाहिए मैं कहता हूँ जब पैदा होके वो इतने अच्छे लगते हैं कि आदमी कहते इसमें ना पैदा होने वाली कौन सी बात थी यार <laughs> ये मेरी मेरा सबसे जो क्या कहते हैं उसको लेटेस्ट वर्जन है ये, ये चटांकी जो है ना ये एक और लफ्ज मेरे जहन में आ रहा था बड़ा दिलचस्प किस्म का ये लेटेस्ट वर्जन है ने, ने, खुर्चन नहीं नहीं खुरचन नहीं हस्ता फिर तो मैं बच्चों को जब भी देखता हूँ ना किसी भी बच्चे को अपने बच्चे ही कोई देखता है ज़ाहिर आदमी आद्म, को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं दूसरों के बच्चे दूसरों को अच्छे लग रहे होते हैं तो बार बार ये सोचता हूँ कि यार बच्चे का जब भी आप देखो तो आदमी कहता है इसमें ना पैदा होने वाली कौन सी बात है। जो भी बच्चा आएगा ना मार्केट में वो अच्छा ही लगता है इंसान को बच्चों में अल्लाह ने इतनी अट्रैक्शन इतनी उसकी तरफ तबीयत रखी है और हर बच्चा अलग डिज़ाइन का होता है उसकी शरारतें दूसरों से अलग हैं तो मैंने आज इसको देखा इस बच्ची को ये चश्मा पहन के ना बड़ों की नकल उतारी हुई इसने चश्मा रखा हुआ है और मुताला कर रही है बैठ के तो बच्चे हर वक्त बंदरों की तरह घर में लगे रहते हैं तो वही बात बार बार जो कहता हूँ फ़ितरत से बगावत मत करो यार ये तुम्हें गोरों ने किसी और लाइन पे डाल दिया है खैर तो उन्होंने बताया कि उसको कैंसर हो गया आँत का और खाना भी खुराक भी उसकी मुंह से नहीं जा पा रही है तो थोड़े दिनों में सारा तकबर डॉक्टरों ने बता दिया इतने दिन में आपकी डेथ हो जाएगी जो डॉक्टरों ने डेट दी हुई थी उतने दिन में इंतकाल भी हो गया लेकिन इंतकाल से पहले उनको एहसास हो गया कि यार मैं जो ये दीनदार लोगों का दाढ़ी वालों का नमाज़ियों का हाजियों का मज़ाक उड़ाता रहा ना ये मैं किसी फ़हमी में मुबतला हो गया था पैसा देख के सेहत देख के इंसान की सेटिंग आउट हो जाती अपनी औक़ात भूल जाता है तो हज़रत ने फ़रमाया कि उसने इंतक़ाल से चंद दिन कबल सब सबमा को बुलाया जिन जिन के ख़िलाफ़ बोलता था बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ कोई दावत की होगी क्या किया होगा सबसे माफ़ी मांगी दाढ़ी भी छोड़ दी नमाज भी शुरू कर दी उसी और मौत वाकई हो गई अच्छी मौत है लेकिन बाज़ लोगों के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि आजमाइश आने के बाद भी उनको हिदायत नहीं मिलती तकबर से दिमाग ख़राब हो चुका होता है उनका इसलिए कहते हैं कि ईमान इतनी बड़ी नेमत है किसी में ईमान होना तो बिल आखिर कभी ना कभी वो आ ही जाता है अल्लाह की तरफ से आज़माइशें हर इंसान को मिलती हैं सनूरी हिम ना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिम कुरान कहता है हम इनको अपनी निशानियां आफाक में यानी इस कायनात में भी दिखाएंगे और ख़ुद इनकी जात में भी जिससे इनको पता चलता रहेगा कि हक़ क्या है और बातिल क्या है ये हम दिखाते रहेंगे लेकिन ये नज़र हर एक को नहीं आएंगी नज़र उनको आएंगी जिनकी बसीरत की आंखें खुली हुई हैं हर एक को नज़र नहीं आती क्योंकि कुरान कहता है ना ला तमल अबसार वाला किन तामल क़लूबल सदूर आँखें अंधी नहीं होती वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं आंखें थोड़ी अंधी होती हैं तो उस दिल के अंधे होने की वजह से नजर नहीं आता फिर तो फिरौन जिसका अल्लाह ने यहाँ वाक़ बयान किया कि फिरौन ने पैगंबर की नाफरमानी की और बहुत सारी बस्तियों ने जिनको अल्लाह ने उलट दिया तो इनके अंदर जो मसला था ना इनके अंदर वो मसला क्या था ये अपनी जाहिर तरक्की जाहिरी हुकूमत जाहिरी सेहत को देख कर गलत फहमी के अंदर मुबतला हो गए थे वजह ये थी देखो हम बार बार कहते हैं ना जब भी कोई किसी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं ट्रेस करने की कोशिश करते हैं ये बीमारी हुई क्यों है ये माइक क्या अजीब सी वो कर रहा है यार हिं? गूंज रहा है बहुत ज्यादा इसको सेट करो यार वलीद को बुलाएँ वलीद हम दूसरों की मस्जिदों में जाके ना लोगों को तरकीब दे रहे होते हैं कि हम बहुत पीछे हैं लेकिन हमारा अपना भी यही हाल है दूसरों की या तरकीब देंगे वलीद को बुलाएँ ज़रा फ़ोन करें तो फ़ासौ रसूल औरबी हम फाखल हम अखलतरबी इन लोगों में मसला ये हुआ था कि ये अपनी सेहत अपनी ज़ाहरी तरक्की दौलत इन चीज़ों को देख कर खुश फहमी में मुबला हो गए थे कि यार सब फजूल बातें हैं और हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की इंसान को तबाह होने में दो मिनट लगते हैं एक तो इंसान में सबसे बड़ा फ़ाल्ट यह है कि वो जब देखता है ना कैंसर के मरीजों को शुगर के मरीज़ों को डायलिसिस पे आए हुए मरीजों को माजूरों को वो कम वक़्त फिर भी ये नहीं समझता कि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ वो समझते हैं कि ये तो इनके साथ है मेरे साथ नहीं, नहीं होगा अल्लाह ने क़ुरान में जगह जगह इस दुनिया को धोखेबाज कहा है कोई तो वजह होगी ना जो इसको क्या कहा जा रहा है धोखेबाज गुरूर धोखे का सामान ये जितना कुछ हमें मिला हुआ है यहां पे हर हर नेमत सेहत की नेमत इज्जत की नेमत शोहरत की नेमत और दौलत की नेमत कुरान इन तमाम चीजों को क्या कहता है धोखा धोखे का क्या मतलब है कि जिस तरह तुम्हें नजर आ रहा है ना हकीकत में ऐसा है नहीं नजर ये आ रहा है कि ये सब इसी तरह चलता रहेगा अल्लाह कहते हैं हकीकत में ऐसा नहीं है इस खुशफहमी में ना रहना ये नहीं चलेगा इस ये ख़त्म होने वाला है इसी वजह से हमने अपने बड़ों को जिनके साथ हमारा टूटा फूटा टाइम गुजरा ना वो जब भी किसी बड़ी चीज़ को देखते हैं ना जिससे उनका उनके दिल में ये ख़्याल पैदा हो कि अब हमारा दिल दुनिया की तरफ माइल होगा जब भी इंसान दुनिया में किसी खुशनुमा चीज़ को देखता है तो फ़ौर तबीयत उसकी तरफ माइल होती है और मजहब फजूल लगने लगता है कि यार ये क्या नमाज रोज़ा और ये सब चीज़ें बस ये है असल तो जब भी हमने अपने बड़ों को देखा है कि वो किसी दुनिया की ऐसी अट्रैक्शन जिसमें हो उसकी तरफ गए ना उनका दिल देखा उन्होंने तो फ़ौर ज़बान से कहते हैं फना ये क्या है ख़त्म होने वाली चीज़ है सबसे ज़्यादा जो इंसान जिस चीज़ की तरफ माइल होता है वो तामीर है प्रॉपर्टी है मिसाल के तौर पर आपके पास अच्छा घर है अगर अच्छा घर देखो आपकी बेटी के लिए दो बंदों के रिश्ते आए एक के पास ज़ाती प्रॉपर्टी है ज़ाती गाड़ी नहीं है दूसरे के पास ज़ाती गाड़ी है प्रॉपर्टी नहीं है तरजीह किसको दोगे प्रॉपर्टी वाले को यार प्रॉपर्टी है भाई लैंड है लैंड है, है। दोबारा बोल दूँ बाइक में नहीं था अच्छा <laughs> लैंड लॉर्ड है भाई क्या हो गया तो बिल्कुल ही गायब हो गया तो कहते हैं लैंड लॉर्ड तभी लोग कहते हैं गाड़ी बेचो सूखी रोटी पे आ जाओ घर किसका होना चाहिए अपना होना चाहिए घर अपना होना चाहिए मैं अक्सर लोगों को ये बताता रहता हूँ कि मेरा मिजाज ये है मेरा क्या मिजाज है मेरी क्या औकात शरीयत जो चाहती है कि सबसे फजूल चीज़ मुझे प्रॉपर्टी लगती है हकीकत सबसे फजूल चीज़ मुझे क्या लगती है सबसे फजूल चीज़ दुनिया में प्रॉपर्टी और अपना घर लोग अब ये समझ नहीं पाते बहुत तंस करते हैं नीचे कमेंट्स में कि किस किस किस्म की एक खातून ने तो लिखा हुआ था इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है ये बिगाड़ रहे हैं अपना घर अपना ही होता है देखो बाज़ दफा जो चीज़ इंसान समझाना वो चले गए वलीद भाई चले गए उनसे कहें यहीं बैठे जो चीज़ बाज़ दफ़ा इंसान समझाना चाहता है ना वो मिसाल से समझ में आती है अगर मैं कहूँ ना दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए दुनिया की नहीं होनी चाहिए आपको समझ में नहीं आएगा कि दुनिया की मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है अगर मैं बताऊंगा ना प्लॉटों से दिल ना लगाओ मकान से दिल ना लगाओ अपना मकान ज़रूरी नहीं है एकदम माफ कहेंगे क्या बातें कर रहा है इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत है तो जिस दिन प्रॉपर्टी की मोहब्बत निकल गई इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत निकल गई समझते हो अबे भाई अपनी प्रॉपर्टी अपना मकान अपना बंगला खुदा की कसम दुनिया में उससे बड़ा मुझे बेवकूफ आदमी कोई नहीं लगता यार उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं लगता फिर भी मैं कहता हूं सारे काम हो जाए तो प्रॉपर्टी खरीद लो आखिर में इस नीयत से कि आ गए तो बच्चों के लिए कुछ क्योंकि ये भी हदीस में तरगीब है कि बच्चों को लावारिस ना छोड़ो लेकिन पहले आप किसी के बच्चे हो अपनी फिक्र करो क्योंकि आपके अब्बा ने आपकी फिक्र की थी आप अगर अपनी औलाद की करोगे तो आपके अब्बा की फिक्र जाया हो जाएगी वो तो आपकी फिक्र में बाल सफेद किए थे ना ताकि आप टेंशन फ्री जिंदगी गुजारो आपके जैसे ही बच्चे हुए आपने उनकी टेंशन पाल ली तो टेंशन फ्री कौन होगा इसमें नहीं आ रही समझ में तो छोड़ो बयान वयन खत्म कर देते हैं भाई भाई आप लोग कहते हैं हम अपने लिए नहीं भाई बच्चों के लिए अपना मकान छोड़ के जाने हाय बेचारों का क्या होगा टेंशन ले रहे हैं यार उनमें चला गया तो बच्चों का क्या होगा हाय बच्चों का क्या होगा अच्छा चलो ठीक है तुम्हारे अब्बा ने फिर प्रॉपर्टी क्यों बनाई थी कह रहे हैं वो उन्होंने मेरा सोच के बनाई थी इसका क्या होगा तो इसका तो कुछ भी नहीं हुआ इसलिए कि जो टेंशन अब्बा ने खुद उठाई थी वो अब्बा की टेंशन आपने अब खुद उठा लिए आप अपने बच्चों के लिए और बच्चा वो भी टेंशन फ्री नहीं होगा जैसे ही आप मरोगे उसके बच बच्च, आपके बच्चों के बच्चे होंगे तो वो उसकी टेंशन तो टेंशन फ्री तो कोई हुआ ही नहीं ना क्या ख्याल है भाई तो इसलिए बच्चों का सोचो सबसे पहले अपने वालिद के बच्चों का सोचो यानी आप मैं एक दिन बैठा हुआ था मैं अपने दोस्तों से साथियों से मिजा भी करता हूँ ना उन्होंने कहा क्यों मुफ्ती साहब आप टेंशन में मैंने कहा यार मैं अपने वालिद साहब के बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ <laughs> क्या मतलब मैंने कहा लोग अपनी औलाद के लिए परेशान होते हैं ना हाय बेचारों का क्या होगा हाय बेचारों का क्या होगा तो मैंने कहा मैं अपने वाले साहब के बेटे के लिए परेशान हूं यह ज्यादा खुशी की परेशानी इसलिए कि यह परेशानी हमारे वालिद उठाते थे ना तो जो परेशानी हमारे बाप ने उठाई वो परेशानी हम उठाएं तो ये बाप से वफा का तकाजा है या नहीं है तो मैंने कहा यार मेरे वाले साहब बहुत परेशान थे मेरे बेटे का होगा क्या तो मैंने कहा इसलिए मैं किसके लिए परेशान हूं अपने लिए तो ये मैं अपने लिए नहीं हूं बल्कि अपने अब्बा के बेटे के लिए परेशान वो कहने किस किस्म की बातें कर रहा है यार तू? हमने कहा भाई हम तो इसी किस्म की बातें करते हैं। पहले अपने अब्बा के बच्चों के लिए परे तो आपके अब्बा के बच्चे परेशान हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मेरे वाले साहब का जो बेटा था ना जो आपके सामने बैठा हुआ है उसकी बुनियादी ज़रूरत थी सबसे पहले तो खुराक मेरे वाले साहब का जो बेटा था तारिक मसूद उसका नाम था उसकी बड़ी जरूरत क्या थी खुराक तो मुझे सबसे पहले क्या करना है खुराक अच्छी करनी है समझते हो क्योंकि खुराक आपकी बॉडी की, की कंस्ट्रक्शन का ज़रिया बनती है बताओ जिस जगह आप रहते हो उसकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या जो रहने वाला है पहले वो अपने आप को बिल्ड करे बोलते क्यों नहीं रहने रहने। देखो मुझे एक बात बताओ एक आदमी ने मकान में सरिया डाल के मज़बूत पिलर खड़े कर दिए हड्डियों में कैल्शियम ख़त्म उसका अपना सरिया हड्डियों का ख़त्म दूसरा वो है जिसने अपनी हड्डियों में कैल्शियम डाल के मजबूत सरिया बना दिया लेकिन रहने के लिए झोंपड़ा है दुनिया तो उस बेवकूफ़ को खुशकिस्मत कहेगी जिसकी हड्डियाँ भुरभुरी हो गई हैं मर रहा है रहता हज़ार गज़ के बंगले में लेकिन खुदा की कसम जिसमें इतनी सी सेंस होगी ना वो कहेगा झोंपड़े में रहने वाला वो शख्स ज़्यादा खुशकिस्मत है जिसकी हड्डियों में सरिया डला हुआ है वो वाला सरिया नहीं जो एक्सीडेंट के बाद डलता है मतलब ये यहिया मजबूत है उसकी सेहत अच्छी है उसकी खुराक अच्छी है लेकिन पागल हो गए हैं दुनिया के पीछे दूसरी बात खुराक के बाद ये तो मैं अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है ये तो मैं कई दफा इस टॉपिक पर बात कर चुका हूं इसमें क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ था बहुत से लोगों को अल्लाह ने हिदायत की तोहफी कता फरमाई अलहमदुल्ला वो क्लिप सुन के दूसरी चीज़ भाई अच्छी सवारी होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें इस्तेमाल में आ रही हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रमायाकूल अबदू माली माली इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा पैसा फरमाया तेरा माल सिर्फ वो है जो खा के ख़त्म पहन के पुराना इस्तेमाल में आ गया वो तो हो गया बाकी तुम्हारा कहाँ है वो तो वारिसों का है बच्चों का है और बच्चों का भी नहीं है वो बच्चों के बच्चों का है वो फिर कहेंगे यार हमारे बच्चों का है फिर वो अगला कहेगा नहीं हमारे बच्चों का है किसी का भी नहीं है वो वो क़यामत में जो आखिरी इंसान पैदा होगा उसका भी नहीं है क्योंकि तो वैसी क़यामत आके बर्बाद हो जाएगा किसी का भी नहीं है टोपी ड्रामा है ये ये टेंशन है जो आप डिप्रेशन एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर करके दुनिया में दिल लगा के मर जाते हो और जब कब्र में जाओगे तो आप बोलोगे यार प्रॉपर्टी जो ये मुझे मिलने वाली थी इसके लिए तो मैंने कख भी नहीं किया इसके लिए तो कुछ भी नहीं किया मैंने तो खा के पुराना कर दिया खा के खत्म कर दिया पहन के पुराना यानी लिबास यानी जो चीजें इस्तेमाल में आ रही हैं तो आपका माल आपकी गाड़ी है वो इस्तेमाल में आ रही है आपको डब्ल्यू ग्यारह से बचाया उसने कितनी टेंशन है ना इंसान के लिए सफर करना अपनी गाड़ी होती है तो वो सफर जो कई घंटों में होता वो आसानी से फिर अपनी गाड़ी में अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है तो महंगी गाड़ी रखो सस्ती गाड़ी में और महंगी गाड़ी में बहुत फ़र्क होता है कमाल की बात यह कि जिन उलमा के पास प्रॉपर्टी हो लोग उन पर उंगलियाँ नहीं उठाते अच्छी गाड़ियों में घूमने वाले पर उंगलियाँ उठाते हैं हर चीज़ क्या चल रही है उल्टी चल रही है ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ प्रॉपर्टी हो दबा के करोड़ों रुपए की जायदादें बना ली उन्होंने लेकिन गाड़ी बहुत सीधी बाइक पे घूम रहे हैं बहुत हज़रत बहुत नेक बुजुर्ग हैं हज़रत इतने सादा हैं कि बस क्या बताएं हजरत को मैंने रक्षे में जब भी देखा है चिंची में देखा है ये घर किसका ये हज़रत का जाति घर है जाति घर अब जाति घर तो भाई ज़रूरी है और जिस आलिम को देखेंगे प्रॉपर्टी में घूम वो गाड़ी में घूम रहा है और बड़े लग्जरी लाइफ स्टाइल रखा हुआ है घर अपना नहीं है उस कहेंगे ये अयाश मैं कहता हूं दुनिया से दिल लगाने वाला मेरी नजर में वो ज्यादा दिल लगा रहा है जिसने जाति घर पे पैसा खर्च किया जिसने गाड़ी पे पैसा खर्च किया वो तो इस्तेमाल आ रही है भाई आप कहेंगे घर भी तो इस्तेमाल में आ रहा है तो जब तुम्हें रेंट पे मिल सकता है तो अपना क्यों रहे हो भाई तो हां देखो हर एक का मैार मुख्तलिफ है मैं एक चीज आपसे एक बताता हूं कि इतना पैसा यह समझो कि घर में जितना पैसा खर्च हो रहा है ना आपका अपना अपना कहलवाने में उसको कि उस पर आपके अपने का लेबल लग जाएगा तो अपना होना कोई इतनी अहम चीज नहीं है जिसपे आप करोड़ों रुपए नाम पे लगा दो कि ये मेरे नाम हो जाए भाई नाम वसीम भाई के रहे हम किराया दे के रहते रहे उसमें तू तो अपने नाम कर ले बस ठीक है ना क्या ख्याल है इस पर खुश हो जा ये किसका है भाई वसीम भाई कोई बैठे हुए हो तो वसीम भाई से घर लो किराए पर ठीक है ना वो हर महीने रेंट दे के थोड़ा थोड़ा रेंट जाएगा उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी रहो खतरा ये होगा कि ये आपका नहीं है नहीं है भाई तो मैं क्यों डेढ़ दो तीन करोड़ रुपए लगाऊं किसी चीज पे ये करवाने के लिए कि ये किसका है मेरा है भाई मुझे पता है मेरी जिंदगी दस साल पंद्रह साल बीस साल तीस साल वो भी यकीनी नहीं है कल मर गए परसों मर गए तरसों मर गए बच गए तो कितना तो एक ग्रेवी पे मैं इतना रिस्क क्यों लूं भाई नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात अगर कोई चालीस साल का है तो साठ सत्तर तीस साल ना वो यकीन नहीं है एक एक दिन भी यकीनी नहीं है तो यार तीस साल पर मैं इतना रिस्क ले कि मैं करोड़ों रुपए फूक दू यार तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा हो सकता है आपके आ रहा हो तो भाई हर आदमी अपनी अपनी सोच का मालिक क्यों लगा दो भाई कल का पता नहीं है मैं इतने करोड़ रुपए फूंक दूं वो करोड़ मैं खाऊं ना वो करोड़ों में जब लगाऊंगा जब आज भी खाने के लिए करोड़ों होंगे समझते नहीं हो बात को इससे ये इश्काल हल हो गया कि हम जाति घर बनाने के मुखालिफ नहीं हैं हम कहते हैं देखो ज्यादा पैसे ज्यादा की डेफिनेशन हर एक के हक में दूसरे से मुख्तलिफ है एक आदमी अरबों रुपए का मालिक है उसके लिए करोड़ों ज्यादा नहीं है तो चलो यार तो सलीम भाई से घर खरीद के अपने नाम कर ले। लेकिन एक आदमी लाखों रुपए कमाता है उसके लिए करोड़ों बहुत ज्यादा है तू क्यों टेंशन ले रहा है तो झाती घर बनाए बशर थे कि आपके पास पहले अच्छी गाड़ी आ जाए अच्छी खुराक हो बच्चों की तालीम एजुकेशन ये ज्यादा एक पढ़ा लिखा गरीब आदमी एक दौलतमंद जाहल से हजार गुना बेहतर है आपके बच्चों के पास एजुकेशन आ गई घर सब फिट फाट हंसी खुशी जिंदगी फिर इजाफी पैसा है चल यार प्रॉपर्टी ले ले मर गए तो बच्चों के काम आ जाए फिर शरीय ने तरगीब भी दी है कि बच्चों को लवारिस ना छोड़ो अगर गुंजाइश है तो फिर शरीय की तरकीब ही है इस स्टेप पर आके आप बहरिया टाउन में प्लॉट खरीदें। समझ रहे हो कि यार जब सब कुछ है कब मर भी गए तो मजे तो जो पैसे की लज्जत थी वो तो हासिल कर लेना भाई आपने गाड़ी अच्छी ले ली घर खुराक अच्छी हो गई लिबास अच्छा हो गया घर का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो गया अब वैसे भी पैसे पड़े हुए हैं सदका खैरा भी हो गया आखिरत के लिए भी जखीरा हो गया तो चलो यार बच्चों के लिए कुछ बना दो ताकि मर जाए तो कुछ तो हो ना प्रॉपर्टी ऊपर चढ़ती रहती है कुछ कमा मुंह के खा लेंगे तो अब आप टेंशन नहीं ले रहे क्योंकि टेंशन जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वो थोड़ी टेंशन लेता है मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं कि इतना पैसा है नहीं और पेट बचा बचा के क्या कर रहे हैं प्रॉपर्टी में इसका मतलब भाई तुमने दीवारों ईंटों से दिल लगा लिया है तुम्हारा मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है जब भी मैं किसी पोश इलाके में जाता हूं ना चला गया डिफेंस में क्लिफ्टन में गुलशन इकबाल में तो मैं वहां को लोगों को बताता हूं यहां के कब्रस्तान का भी सर्वे करना चाहिए गरीब आदमी मैं तो अल्लाह का शुक्र है गरीब नहीं हूं लेकिन जब कोई गरीब आदमी जाता है ना पोश एरियाज में तो बड़ी राले टपकाता है यार क्या स्टाइल है यार एक हमारा घर देखो गरीब आदमी के दिमाग में ये ख्याल आते हैं ना यार हम उधर ही औरंगी टाउन में वो नाले के ऊपर हमारा घर बना हुआ है यार ये क्या मत ओ भाई तू घर को ना देख तू इसको देख घर में रहने वाले वो कितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है उसके ऊपर हो सकता है तू रक्षा चला के उससे ज्यादा मजबूत हो और जो इस हजार गज के बंगले में रह रहे है उसकी हड्डियों में कैल्शियम का टेस्ट करवाओ कमी आएगी तो तू ज्यादा खुशकिस्मत है नाले के ऊपर रहकर भी ठीक है ना तेरी उम्र अभी लंबी है वो अभी थोड़े दिनों में इन्ना लिल्ला हो जाएगा और अगर चल वो, वो तू से ज्यादा सेहतमंद है तो कितना मुकाबला करेगा जितनी मोटी दीवारें और जितने बड़े बड़े घर हैं इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है खत्म थोड़े दिन की कहानी है थोड़े दिन के लिए यार इतनी टेंशन लेना ये कोई फजूल किस्म की बात है मुसाफिर खाना खत्म मरेगा थोड़े दिन में <laughs> मर जाएगा तो मौत को इतनी टेंशन भी ना लिया करो हमारे यहाँ ये भी होता है जब किसी का इंतकाल होता है तो एकदम छः महीने तक शौक में रहते हैं मरा क्यों भाई ये ये क्यों मर गया ये भी एक मसला है हमारे साथ भाई यार ये तो मर मर समझ में नहीं आ रहा मर कैसे गया मैं अक्सर एक, एक वाकया बताता हूँ हमारे एक दोस्त थे बड़े मालदार मैंने पहले भी ये कई बार वाक़ बयान किया है इकलौते बेटे थे अपने वाले साहब के बड़े खूबसूरत भी और रहते भी कराची में बड़े पोश एरिया में और बड़े अच्छे आलिम भी बन गए वो पैसा भी अल्लाह ने बहुत दिया लग्जरी लाइफ स्टाइल उनका हम उनके साथ गाड़ी में जाते थे गाड़ी कहीं पंचर हो गई तो हम तो खड़े होकर पंचर लगवा रहे होते हैं ना वो नहीं लगवाते थे वो ड्राइवर से दूसरी गाड़ी मंगवाई भी उसके हवाले की ठीक है ना कि ये तेरी फटीक है <laughs> दूसरी गाड़ी अब उनके साथ जा रहे थे गाड़ी कहीं पंचर हो गई कहीं रास्ते में जंगल में ना यानी जंगल तो नहीं जो सहरा अब हमने कहा भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है ड्राइवर को फ़ोन कर ठक करके स्पीड में आया दूसरी गाड़ी लेके वो ले गया वो अब उसकी है हम भी शहर के अंदर तो कोई खादिम वादिम को बुलवा लेते हैं लेकिन बाहर कौन बुलवाएगा बुलवा लिया तो बड़ा लग्जरी लाइफ स्टाइल उनका तो अचानक इंतकाल हो गया कितने साल की उम्र में इंतकाल हुआ होगा मेरा ख्याल है सत्ताईस या छब्बीस साल की उम्र में या शायद अट्ठाईस साल के होंगे कैसे इंतकाल हुआ भाई इंतकाल भी ऐसे हुआ कि वो जाम तो रशीद में उस्ताद भी थे तो वो चल अपने घर आते थे तो उनको जामिया ने कहा कि हम आपको बड़ी गाड़ी देंगे सिक्योरिटी गार्ड देंगे हम आपको क्योंकि भारत बड़े आलिम है ख़तरा जो भी मशहूर हो जाता है या इल्म में ज़्यादा हो तो फिर दुश्मनों का भी ख़तरा होता है तो उनके वालिद ने कहा कि भाई सिक्योरिटी गार्ड से तो ये और नुमाया हो जाएंगे किसी की तवज्जो नहीं भी होगी तो लोग कहेंगे यार इसके साथ गार्ड हैं तो यकीन कोई बड़ा आदमी होगा तो इनको सादा हाइस में भेजा करें कोई किसी का शक ही ना हो कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है जैसे बाज़ लोग गोल्ड लेके फिर रहे होते हैं सादा शॉपर में जिसमें दही लेके आ रहे होते हैं ना हकीकत ताकि किसी डाकू की ही ना हो बाज़ लोग ऐसे होते हैं पटपटी सी रखी ऐसे एक पाँच चार शलवार का इधर एक नीचे और लाखों रुपए का गोल्ड रखा गंदे से शॉपर में डाकुओं के बीच में से टहलते हुए जा रहे होते हैं डाकू उनको जकत दे रहे होते हैं ले भैया <laughs> उनको देख देख के ना उनके है। के ले भाई तू कुछ खा लेना तो तो उनके वालिद ने कहा कि भाई हाईस्ट होनी चाहिए सिंपल सादा किसी का ही ना उन्होंने कहा चलो भी ठीक है जब आप कह रहे हैं आप तो हाइएस में बैठ जाते थे कहीं पीछे बिल्कुल ऐसी फटपटी पट सी गाड़ी थी वो कराची में कुछ अयाश लड़के थे लैंड क्रोजर में वो कहीं रात नाइट उन्होंने गुजारी होगी क्या किया होगा इतवार का दिन था सुबह वो नशे में थे क्या थे वो आ रहे थे तो एक्सीडेंट किया उन्होंने सामने से गाड़ी को हिट किया इतनी जोर से हिट किया कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई तो अब देखो अजीब यानी इतना एक सेहतमंद आदमी और इतने हजार गज के बंगले में रहने वाला और इतना दीन भी दुनिया भी दोनों चीजें जमा हो जाए तो ये तो बड़ी नेमत है ना और वाल साहब के इकलौते बेटे के उस पर सारी इन्वेस्टमेंट भी की उन्होंने कि भाई मेरा बच्चा बहुत बड़ा आलिम बनेगा जिस आ, और आलिम के पास पैसा ज़्यादा होता है ना तो अगर वो पैसा उनको गाफिल ना कर दे आखिरत से तो मैंने देखा है जिन जिना के पास पैसा है वो अक्सर दीन का काम ज़्यादा कर लेते क्योंकि वह माशी लिहाज से बेफिक्र हो जाते हैं फिर वो पब्लिक से डरते भी नहीं हैं बेचारा मस्जिद के इमाम को तो ये डर होता है मुझे निकाल दिया तो मैं ये भी हकीकत है ना वो वाकई कहां जाएगा वो उनको तो ये डर होता है वो बेचारे बहुत सी बातें कमेटी के डर से खुल के कर नहीं सकते कि यार मैंने देखा है बेचारे इमामों को रोते हुए मस्जिद कमेटी ने निकाल दिया वो बे। ये तो जिन उलमा के पास दौलत ज्यादा होती है बशरते कि दुनिया की मोहब्बत ना आए उस दौलत के साथ तो आम आमतौर पर कायदा कुल्लिया नहीं है आम तौर पर देखा है कि वो दीन का काम ज्यादा वो बेफिक्री से करते हैं माश से बेफिक्र हो गए तो ये भी उनमें था कि पैसा भी था तो मुआ से बिल्कुल बेफिक्र तो ज्यादा काम करने मदरसे तनखा भी नहीं लेते थे बल्कि उल्टा दे रहे होते थे तो जब उनकी मौत की खबर मुझे मिली ना मैं तो शौक में आ गया मैंने कहा यार ये कैसे हो गया अब जाहिर है हम तो मुसलमान हैं हम सोचते हैं अल्लाह के हर काम में हिकमत मसलहत मैं बहुत सोचता रहा अल्लाह इसमें क्या मसलहत है थे? अब तो उनके काम करने का टाइम शुरू हुआ था उनके वालद ने इतना उनको म सिखाया अब जाहिर है दीन से फ़ारिग हुए थे जामिया में टीचर बने अब आज अगर वो जिंदा होते तो वो बहुत आगे जा चुके होते बहुत आगे जा चुके होते ये मुल्क के बड़े बड़े अल्लामों में उनका शायद शुमार होता क्योंकि बहुत बचपन से ही सही, सही लाइन पे लग गए ना टाइम वेस्ट नहीं करते थे हमने नहीं कभी देखा फालतू बैठे हुए उनको जब भी बैठेंगे कोई काम हती कि दोस्तों की महफिल भी है ना तो गपशप के दौरान भी फिर वो अपना काम भी निपटाते रहते थे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं जब उनकी डेथ हुई है तो उस वक्त भी वो एक दुआ की किताब है वो अपना मामूल एक पूरा कर रहे थे मैं इतना परेशान हुआ मैंने कहा यार ये इसमें अल्लाह की क्या मसलहत है बच्चे छोटे छोटे यतीम हो गए उनके तो मेरे जहन में एक जवाब आया मैंने कहा इसमें ये अल्लाह ने बताया कि कोई भी किसी भी टाइम मर सकता है भाई ठीक है ना <laughs> जब अल्लाह ने किसी को मारना होगा तो हमसे पूछ के नहीं मारेगा कि बताओ मुनासिब है या नहीं है तो मैंने कहा इतना कीमती आदमी जो हर लिहाज से कामिल और उसकी ज़रूरत हमसे भी ज़्यादा थी जिंदा रहने की हम तो वो उस लेवल के नहीं थे कहा तो यार इन, इनको ज़्यादा जिंदा रहने की ज़रूरत है अल्लाह ने जब वो एकदम से और उनके तो बचने के असबाब के लिए हमने हाइस का इंतज़ाम किया था ना कि ताकि कोई टारगेट किलर इनको निशाना ना बनाए वो हाइस ही उनकी मौत का सबब बनी क्योंकि अगर वो कोई मज़बूत गाड़ी होती तो शायद भाई रिवो या वीगो टाइप की कोई गाड़ी होती तो आगे उसका बोनेट इतना बड़ा होता है कि उसमें हादसे का इम्कान कम होता है और हाईएस को अगर लैंड क्रोजर या रिवो या वीगो जैसी गाड़ी हिट करेगी वो तो कचुमड़ बन जाएगी ना दो मिनट में तो वही गाड़ी जो इनकी जिंदगी का जरिया समझ के उनको दी गई थी वही गाड़ी उनकी मौत का सबब बन गई तो हमने भी इतनी मौतें देखी आपने भी देखी होंगी भाई कोई भी किसी भी टाइम पे इस दुनिया से जा सकता है तो शुक्र अदा करो आप कितना सेहत का ख़्याल कर लो गोरों गोरों को जो हम कहते हैं ना उनकी उम्रें लंबी हो गई हैं वाकई ऐसा है सेहत का बहुत ख्याल करते हैं लेकिन हादसाती मौ, मौत उनके यहाँ भी बहुत होती है मेरे तो डॉक्टरों से भी रबते हैं न यूरोप में कुछ जानने वाले डॉक्टर वो बताते हैं कि हम खुद परेशान होते हैं भाई इसको हुआ क्या है यानी एक आदमी कैंसर से बचने के तमाम इसबाब इख्तियार करता है इंतहाई खतरनाक किस्म के कैंसर में मौत होती है उसकी मैंने कैंसर स्पेशलिस्ट से पूछा मैंने कहा भाई जब कैंसर से बचने के तमाम असबाब एक आदमी इख्तियार कर रहा है ना वो सिगरेट पी रहा है ना वो कुछ और कर रहा है कोई ऐसा काम जो कैंसर का जरिया है फिर कैसे हो गया उन्होंने कहा कुछ पता नहीं होता हवा से कोई जरसुमा उठ के अंदर चला जाए कब तक कैसे बचेगा आदमी कोरोना में देख लें कितने लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया इतना बचा जाए ना कि लेकिन कोरोना पता नहीं कहां से उड़ के उनकी नाक में पहुंचा और मार दिया उनको उभर भी गए वो एहतियात तो करनी है एहतियाती तो शरीयत में जायज़ नहीं है लेकिन होगा वही जो कौन चाहेगा अल्लाह चाहेगा हमारे हमारे जिस्म पे हमारी हुकूमत नहीं है तो उन्होंने बयान में फ़रमाया कि कैंसर हुआ इतना ख़तरनाक हड्डियों का ढांचा बन गया वो आदमी उसको यकीन हो गया कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता सबको बुला के माफ़ी मांगी तोबा की और अल्लाह ने अच्छी मौत दी तभी तो ये कहते हैं और ये हदीस से इस्तेदलाल किया है कि वो नेमत जो आपको अल्लाह से दूर कर दे वो नेमत नहीं बल्कि अजाब है और वो मुसीबत जो आपको अल्लाह के करीब कर दे वो मुसीबत नहीं बल्कि नेमत है अब देखो मरना तो सब नहीं है वो अगर उसी खुशहाली वाली ज़िंदगी में मर जाते मुरतदों के मरते हैं जो उनके हालात चल रहे थे टेंशन में मरे तो तोबा की अल्लाह ने तौफीक दे दी हमारे एक दोस्त ने वाक़ बताया ये बड़ा ऑथेंटिक वाक़ है के एक क्रिश्चन था ईसाई था उसकी जब मौत का वक्त आया ना इधर ही कराची का बड़ा ताजिर था वो उसकी मौत का वक्त आया ईमान नहीं है ना तो अब देखो परेशानी में भी उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है कि मुझे क्या करना है मौत का वक्त आया जब डॉक्टरों ने बता मौत का वक्त का मतलब डॉक्टरों ने बता दिया कि आप अब ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहोगे तो उसने क्या किया अपनी जिंदगी में अपने दोस्त दो ताजर थे ना उनको जमा किया और उनको यह कहा मेरे लिए ना बहुत बड़ा लग्जरी किस्म का बंगला खरीदो डिफेंस में समझ रहे मैं चाहता हूं कि मेरी मौत उस बंगले में हो मेरा जनाजा वहां से उठे क्यों भाई अब खैरियत दुनिया की मोहब्बत की आपको मिसाल दे रहा हूं कि कहां तक इंसान को लेके जाती है हम तो कह रहे हैं जिंदा भी हो तो बंगलों में दिल ना लगाओ कल मर सकते हैं आज मर सकते हैं और नहीं भी मरे तो बीस तीस साल का ठक करके तो टाइम गुजरता है भाई इतना टाइम थोड़ी है इसमें तो वो कहने लगा कि वो वो जो ईसाई था कहने लगा कि मेरे साथ के टके टके के ताजर उन्होंने बंगले बना लिए तो मैं उनको दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कम नहीं हूं ऐसा मेरी पूरी जो जायदाद है ना उसे बेच के इतना बड़ा बंगला होना चाहिए ऐसा लग्जरी होना चाहिए कि मेरा जनाजा उठे तो ये दो टके, टके उसके अल्फाज नहीं टके टके के ताजिर जो है ना जो मेरे से बहुत पीछे और बड़े बड़े बंगलों में फखर कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं मेरी जनाजा उठे ऐसे बंगले से चूंकि ईमान नहीं है गाइडेंस नहीं है उसको पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या ओ भाई तू जो अपने ताजरों को नीचा दिखा के तुझे मिलेगा क्या मर गए तो मरने के बाद तो कोई आपकी तारीफ करे या कोई आपकी बुराई करे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा शुक्र अदा करो अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है टेंशन आती है तो हमें पता तो चलता है किसको को किस से जाके फरियाद करनी है किसको हमने मनाना है ये मुसीबत देने वाला कौन है मुसीबत हमसे दूर करने वाला कौन है जिसने मुसीबत दी है उसने बताया कि इसमें भी तुम्हारा फ़ायदा है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है देखो जितनी बदहाली का शिकार दुनिया में मुसलमान है ना इतना बदहाल दुनिया में कोई नहीं है लेकिन डिप्रेशन के मरीज सबसे कम आपको मुसलमानों में नजर आएंगे सबसे कम वजह क्या है भाई अल्लाह है अल्लाह है कोई देख रहा है कोई खुद खुद नहीं हो रहा सब कुछ तो जो मजहब से जितना करीब होगा ना टेंशन से उतना दूर होगा वो तो दुनिया से दिल लगाना दुनिया मैं बताता हूं कि दुनिया में सबसे पहले जिस चीज से इंसान का दिल चिपकता है वो क्या है प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है वो मोटी मोटी दीवारें और महलात हैं जिनमें इंसान का दिल माइल होता है तो इन चीज़ों को देख के बोला करो मिट्टी जब आप जाओ ना किसी पोश एरी में यार क्या ख़ूबसूरत लाइफ स्टाइल बोलो बहुत अच्छा है लेकिन मेरी ज़िंदगी वफ़ा नहीं करेगी इतना मेरे पास ज़्यादा इस चीज़ को इंजॉय करने का टाइम है नहीं चीज़ बहुत अच्छी है शुगर के मरीज के सामने आप बहुत खूबसूरत हलवा बना के रख दो चमकपटियाँ लगा दो उस हलवे में रसगुल्ले रख दो उस पर चमकपटियाँ लगा के बहुत खूबसूरत रसगुल्ले तो शुगर का मरीज क्या कहेगा यार ये बहुत मजे के हैं लेकिन ये मेरे लिए है नहीं क्योंकि मेरा मेदा इसको हजम नहीं कर सकता या मेदा हजम कर लेगा मैं मे, मेरा मेरी बॉडी इसको हजम नहीं तो मेरे लिए है नहीं ये तो भाई दुनिया कितनी खूबसूरत हो कितनी अट्रैक्टिव हो कितने बड़े बड़े बंगले कितनी बड़ी बड़ी याशी आपका जिसम महदूद है आप ना ज़्यादा खा सकते हैं ना ज़्यादा लाइफ को इन्जॉय कर सकते हैं आपकी बॉडी आगे जाने ही नहीं देगी लोग कहते हैं यूरोप में नाइट क्लब है याशी अबे भाई हफ्ते में क्या रोज़ाना नाइट क्लब जाके याशी करेगा बोलो ना क्या हो गया एक दिन जब याशी करेगा तो एक महीना बिस्तर पे पड़ा रहेगा वो जज्बात ही नहीं बनेंगे उसके नाइट क्लब में जाने के लिए जो जज्बात चाहिए इतनी पावर अल्लाह ने किसी में रखी नहीं है आप बड़े होटलों में खाना खाओ कि यार मैं मैं आज फोड़ दूंगा यार बहुत करूंगा क्या खा के याशी कर लेगा पंद्रह से बीस निवालों के बाद जो पहले लुकमे में मज़ा था वो बीसवें लुमे में वो मज़ा नहीं आएगा क्या ख्याल है ऐसा ही है ना बल्कि दो तीन दिन वही खाना खाया ना बकरे की चांपे वहां पे तो उसके बाद कहेगा भाई तू मसूर की दाल लेकर आ हटा दे यहां से मेरे सामने से सब्जी ले आ जाके बकर में ऐसा ही होता है ना गोश ज़्यादा खाने के बाद सब्जी खाने का दिल करता है तो ये अयाशियाँ बहुत महदूद हैं और कमाल की बात यह के दुनिया में जो हलाल अयाशियों पर इक्तफा करते हैं ना वो बहुत तवील अरसे चलते रहते हैं वो ज़्यादा मज़े उड़ा लेते हैं जो हराम की तरफ जाते हैं वो वक्ती तौर पर थोड़ा सा मज़ा लिया उसके बाद वो हलाल के काबिल भी नहीं रहते उनको हलाल में भी लज्जत खत्म हो जाती है लज्जत नाम है उस एहसास का जो आपकी खोपड़ी महसूस करती है वो एहसास आपके हाथ में अल्लाह ने नहीं दिया मिसाल के तौर पर आप अगर ये चाहते हो कि मैं बहुत ही मुरगन खाना खाऊं और मुझे उसमें जितना मजा अभी आ रहा है इसका डबल मजा आए तो आपने वो जो वेटर था ना उसको पांच सौ रुपए ज्यादा दिए कि इसमें ऐसा कर ले कि ये डबल मजा हो जाए क्या क्या भाई इतना ही आएगा इससे ज्यादा नहीं आएगा कितना ही मजे का खाना हो आप अपने दिमाग की हिस्स थोड़ी बढ़ा सकते हो समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही वो थोड़ी बढ़ेगी तो इस इसी वजह से हम कहते हैं जो मौसीकी के रसियाले होते हैं ना मौसी सुनने के आदि लोग होते हैं लोग मौलवियों पे और दीनदार लोगों पे कहते हैं यार ये म्यूज़िक नहीं सुनते इनको सुकून कैसे मिलता है कैसी बोरिंग लाइफ है मैंने एक बहुत दफ़ा एक वाक़ सुना है हमारी एक कज़न थी अब हमारी कज़नें भी बयान सुन रही होती हैं बहुत पुराने वाक़ है उसको समझ में नहीं आएगा कि उसकी बात हो रही है तो थोड़ा सा उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा लग्जरी था थोड़ा सा मॉडर्न किस्म के तो हमारे घर में आई तो मेरी जो हमारे घर की खातन है उनसे कहना कैसा है बोरिंग तुम लोग की जिंदगी है एक्चुअली कैसी बोरिंग, बोरिंग जिंदगी ना कोई मूवी देख रहा है यहाँ पे ना कोई म्यूजिक चल रहा है वह आराम से तम हमारा तो ज्वाइंट फैमिली थी पहले बहुत पुरानी बात है तो वाल साहब घर में आते थे सब बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे और सब शादी ज़्यादातर हम भाई हमारे शादीशुदा थे तो सब पर्दा भी करती थी भाभियाँ तो वह सुबह उठे नमाज़ पढ़ी स्कूल चले गए या अपने जो भी काम ने यानी कोई इंटरटेनमेंट की जो कोई घरों में जैसे चीज़ें होती ना वीडियो गेम खेल रहे हैं सही है ना या फिल्में देख रहे हैं ड्रामे देख रहे हैं ये सब चीज़ें नहीं थी शादी भी अभी कोई डांस नाच गाना भाई शादी भी ऐसे ही आराम से और मेरी शादी ऐसे हुई थी कि मुझे रिश्ता आया तो हमने कहा ठीक है भाई ओके कर दिया तो वो लोग पिंडी में थे तो जब ओके कर दिया तो पिंडी में थे ठीक है ना तो अब शादी कैसे होगी ठीक है ना वो तो पिंडी में थे तो शादी कैसे होगी तो इतना तकल्लुफ़ तो करना पड़ा कि मुझे पिंडी।, पिंडी जाना तो मेरी वालदा चले गई पिंडी मेरे साथ और मेरे भाई भावलपुर में थे भाई और भाभी वो भावलपुर से ही पहुँच गए वहाँ पर मैं वालदा के साथ पिंडी पहुँच गया वहीं मस्जिद में किसी मौलाना साहब ने निका पढ़ाया हम जहाज से वापस आ गए कराची मैं मेरी वालदा और हमारी अहलिया वापस आ गए ये हो गई शादी हमारी कोई पटाखा भी जो शबरात का होता है ना वो भी नहीं फूटा अच्छा जब शादी हो गए वापस आ गए तो मैं जुमरात को बयान किया करता था अपनी मस्जिद में तो वो जुमेरात को मैं फिर नागा वो किया क्योंकि मैं शादी में अपनी शादी में गया हुआ था मैं मेरे कई बयान तो नागे अपनी शादी की वजह से हुए हैं <laughs> लोगों के तो नागे होते हैं ना आज हज़रत साहब फला की शादी में गए हुए हैं हमारे जो नागे होते हैं वो अपनी शादी में गया हुआ होता हूँ मैं बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है तो मैं उस दफ़ा भी अपनी शादी में गया हुआ था तो वो मेरी पहली शादी थी तो मैं जब वापस आया हूं तो अब कुछ लोगों ने पूछा मुफ्ती साहब कल आप थे नहीं जुमेरात में हम आए बयान थे नहीं मैंने कहा मेरी शादी थी तो कह रहे परसों तो आप इधर ही घूम रहे थे तो ये क्या हो गया परसों तो आप इधर ही घूम रहे थे तो मैंने कहा क्या कहाँ घूमता फिर मैं आप बताओ जिसकी शादी होने वाली होती उसको कहां घूमना चाहिए <laughs> क्या रहे कुछ भी नहीं यार तो बस ऐसे ही गए हो मैं हो गई हमारी तो अब बताओ कोई लाइफ में कुछ हुआ कुछ भी नहीं यार ये किस किस्म की शादी है यार लेकिन इस किस्म की शादी कई दफा हो सकती है हकीकत <laughs> 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 बता आपको मैं ये जो इंटरटेनमेंट है ना ये उन लोगों को मुहैया नहीं है जो इस किस्म की शादी नहीं करते एक दफा में तो धूम धड़का पटाखे दूल्हे आ रहे हैं जनाब उसके गले में हार डाले जा रहे हैं और लिफाफे आ रहे हैं उसके सारा वलीमे का खर्चा ने, हमने फिर मैंने वलीमा किया वो भी सादगी से किया वलीमे में हमने लिफाफों पर पहले पाबंदी लगा दी किसी को लिफाफा लाने की इजाजत नहीं अपने खर्चे पे करेंगे हम जो भी होगा वो सादगी से किया वो भी कोई ज्यादा धूम धड़का नहीं था तो वो वलीमा आप हॉल में भी कर सकते हो गलत नहीं है अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो आप जरा अच्छे तरीके से कर लो तो अब क्या हुआ कि जब लोग आए तो वो भी हैरान हो रही यार ये किस किस्म का हिसाब किताब चल रहा है तो लिफाफों पर भी हमने पाबंदी लगा दी कोई लिफाफा लाने की अच्छा पाबंदी लगाओ तो कोई भी अलहमद ला लेके भी नहीं आया <laughs> यानी इसका मतलब लोगों के जहन में पहले से होता है कि यार ये जान छोड़ाओ लिफाफों से तो वलीमा में दूल्हा वलीमे के सारे पैसे क्या कर लेता है लिफाफों में रिकवर हो जाते हैं तो इस पर बड़ा खुश होता है कि मौलवियों की शादी देखो कितनी सादा से एक पांच रुपए भी नहीं मिले ना कोई पटाखा फूटा ना कोई फायरिंग हुई ना कोई हल्ला गल्ला हुआ तो इनकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है तो किसी मौलवी के पास बैठो तुम्हें बताएगा भाई सादगी में जो फायदे हैं वो इन अयाशियों में नहीं है तो जब आप एक शादी इस तरह से करोगे तो बस एक ही होगी वो अब दोबारा खत्म क्योंकि उसमें इतना बर्बाद हो गए थे ना आप उसमें और वो दो तीन दिन की इंटरटेनमेंट है धूम धड़का हो गया उसमें फिर जो आगे मसाइल होते हैं पंजाब में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है वो कज़न आपस में नाच रहे हैं डांस कर रही हैं लड़कियाँ भी लड़के भी बैठे हुए हैं देखो लोग कहते हैं इसमें है क्या कोई ख़ुदा नख्वास्तः हम कोई गलत नहीं ऐसे तो नहीं देख रहे देखो इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट फौरी नहीं होते मैं नहीं कह रहा कि जो ऐसे मिस गैदरिंग में डांस हुआ है तो कोई किसी ने जाके किसी लड़की को पकड़ लिया वहाँ जाके ना कोई गलत कर रहा है उसके साथ कुछ भी नहीं होता हया आहिस्ता आस्ता ख़त्म हया खत्म होने से पता है क्या होता है ये जो आपकी नई जनरेशन है ना ये अपने बड़ों से बदतमीज़ बन जाती है क्योंकि हया आपको रोकती है बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बात करने से माँ के सामने ऊंची आवाज़ से बात करने से बहन को रोकती है भाई के सामने थोड़ा सा रिजर्व रह के रहे वो तमीज़ से बात लेकिन जिस बहन ने भाई के सामने डांस कर लिया अब आप उससे ये उम्मीद है ना लगाओ कि वो भाई को रिस्पेक्ट देगी भाई जान आप काइंडली आइए बैठिए ना 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 वो जब डांस कर लिया उसने तो भाई वो कहेगी जितनी मैं हूं उतने ही यहां पे कोई हम तो को एक दूसरे पर हक नहीं है तमीज से चल रहे चलो वरना शट ठीक है ना बात आ रही है समझ में फिर वो जो जज्बे है ना भाई जो बहनों के लिए जान दे दिया करता उसको जनाब उसके लिए निछावर कर दी अपनी जिंदगी यार इसकी हिफाजत करनी है इस पर पैसा खर्च करना है ये अगर बेवा हो गई तो कोई बात नहीं मेरे घर में आ, ये सब चीजें कहीं खत्म अखपल जिंदगी आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को इंजॉय करूंगा ये आहिस्ता आहिस्ता ये ये होता है यहां आके हर गुनाह के एक जहरीले असरात हैं जो फौरी तौर पर नहीं नजर आते गोरे से यही तो गलती हुई है उसने कहा जो लिबरल लोग यही तो गलती करते हैं कह रहे क्या हो गया गाना सुनता है तो क्या हो गया गाना सुनने से क्या हो गया डांस करने से ये जो बेहुदा किस्म का एक तो वो अतंग वतंग होता है बेचारे हमारे के पी के वालों का वो तो वैसे ही सादा तरीके से ना ऐसे ही गोल गोल घूम रहे होते हैं वो तो डांस ही नहीं होता ना वो तो वैसे ही तो वो कबाइली एक रक्स टाइप का होता है तो वो तो एक अलग चीज़ है लेकिन ये जो प्रॉपर ये जो मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो किया करें आप लोग लेकिन उस पर ये वाला बयान ना फिट कर दें कि उन पर फतवे लगा दें जाके वो क्या कर रहा है बेचारा थोड़ा सा हिल रहा है ना वो शादी में सादा तरीके से तो हर चीज की एक भाई सिगरेट के जो उस है वो चर्सियों पे थोड़ी लगेंगे चर्स अलग चीज है हीरोइन मैं हीरोइन के खिलाफ बयान करूं आप सिगरेट वालों को जाके फतवे देना शुरू कर दो तो वो एक अलग चीज है के पी के में या बास देहात में होता है कि वो क्या होता है कि थोड़ा सा ढोल रखे ना आतंक कहते हैं उसको आतंक कहते हैं ना वो थोड़ा सा आतंक मार रहे होते हैं वो वो अफ़गानिस्तान में सुना है कि वो जो मुजाहिदीन थे ना वो भी करते थे लड़ाई से पहले ना मुजाहिदीन की आदत थी अफगानिस्तान में जो नहीं रशिया के ख़िलाफ़ लड़ते थे फिर ये तालिबान का भी सुना है ये लोग क्या करते थे कि जब भी जंग से पहले ना थोड़ा सा ढोल बजा के ये ये वाला आतंक करते हैं ये ये थोड़ा सा घूमते हैं ये थोड़ा सा वो करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि हम कोई जंग को टेंशन ही नहीं ले रहे तो खैर तो ये जो डांस मांस आजकल हो रहे हैं। इनमें होता क्या है जब आपकी हया निकलेगी तो अब इसके फिर आगे जाके साइड इफेक्ट बहुत खत्म मां बाप कहते हैं हमारी बेटियां है, हमारे कंट्रोल में नहीं हो भाई कंट्रोल में कैसे हैं जब एक लड़की अपने वालिद के सामने डांस कर रही है तो बाप का मुकदस रिश्ता और हया वया खत्म अब वो नहीं होगा कि वो अब आप अपनी बच्चियों को आदि बनाओ बाप को देख के सर पर दुपट्टा ले लिया करें वो तो देखो आपका कितना अहतराम करेगी आपकी बात मानेगी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेगी और यह चीज़ तरक्की में रुकावट नहीं बनेगी अगर जवान लड़की अपने अब्बा को देख के थोड़ा सा सर पे चादर ले लेती है ये चादर नहीं लेती थोड़ा सा रिजर्व हो जाती है कि भाई अब्बा आ रहे हैं थोड़ा सा थोड़ा सा गले में दुपट्टा ले लो तो क्या इससे तरक्की का क्या ताल्लुक है है भाई यानी लोग समझते हैं अगर हम इतनी तहजीब और तमदन के साथ चलेंगे ना अपने घरों में तो हम तो अंग्रेज़ का मुकाबला कर ही नहीं सकते अब भाई इसका इससे अल्लाह की कसम कोई ताल्लुक नहीं है यानी इन चीजों के ये जो दिमाग में आप लोगों ने बिठा लिया है ना कि हम अपने घर में मजहबी माहौल लेकर आएंगे तो हमारे अच्छे डॉक्टर नहीं पैदा होंगे अच्छे इंजीनियर नहीं पैदा होंगे मैं आपको हल्फिया कहता हूं उससे ज्यादा अच्छे पैदा होंगे क्योंकि तमीज़ वाला आदमी जो जिसकी सोचें दाएं बाएं ना घूमती हूं वो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ भी सकता है ज्यादा अच्छे तरीके से देखो जामे तो रशीद जब से आया है ना असरी तालीम में हमारे तलबा को जामत तो रशीद ने जब से कहा ना कि डॉक्टर भी बनो इंजीनियर भी बनो एम बी ए भी करो बी बी ए भी करो ये सारी वाइश डिग्रियाँ जामिया तो रशीद का रिजल्ट दूसरी यूनिवर्सिटियों से आ गया है हालांकि यूनिवर्सिटियों में को एजुकेशन है उस्ताजों का एहतराम है मगर इतना नहीं जो मदरसों में है समझ रहे हैं ना वो फिल्में भी देखने जाते हैं मुझे तो खुद यूनिवर्सिटी के लड़के बताते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सैन घर चले जाते हैं उनके अब्बा को पता ही नहीं होता अब्बा समझ रहे थे तो कि बच्ची कहाँ गई भी है यूनिवर्सिटी गई भी है। तो कह है रहे हम तो चले जाते हैं फिल्म भी देख के आ जाते हैं तो वो सारी आज़ादी वहां दी हुई है कोई तंग माहौल नहीं है जामत रशीद का माहौल क्या है तंग माहौल है वहाँ गर्लफ्रेंड है ही नहीं सारे अपने जैसे लड़के दाड़ियों वाले वो भी वही नजर आएंगे उसको तो कोई इंटरटेनमेंट का माहौल नहीं है लेकिन आप रिजल्ट देखो अलहमदुल्ल रिजल्ट देखो आप कभी अभी तो अल्लाह का शुक्र है पता नहीं दस बारह कमीशन ऑफिसर नेवी में गए हैं जामे तो रशीद के दो साल पहले मैं उन मेरे शागिर्द भी हूँ मैं उनसे मिला हूँ मेरी एक तस्वीर भी यूट्यूब पर छाया हुई थी आपने देखा होगा नेवी के ऑफ़िसर खड़े हुए हैं बीच में मैं खड़ा हुआ तो उनमें ज़्यादातर हमारे शागिरद थे तो ये दिमाग में ना आप लोगों ने खाम में एक चीज़ बिठा ली है कि यार बिल्कुल ऐसा अयाशी दे दो तो तरक्की ज़्यादा होगी तरक्की ज़्यादा नहीं होगी आप कह सकते हो अंग्रेज़ ने इतनी अयाशी में कैसे तरक्की कर ली ओ भाई अंग्रेज अगर इतना याश ना होता इससे दस गुना आगे निकल चुका होता है समझ रहे हैं ना जैसे एक आलिम कहने लगे कि लोग कहते हैं ना कहते हैं कि सूद हमारी मुशी सूद जो है ना सूदी निज़ाम जिस कंट्री में होगा तो मीशत क्या हो जाएगी बर्बाद अब सवाल पैदा होता है फिर अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है मीशत में फ्रांस इतना पावरफुल क्यों है वजह उसकी ये है कि उन्होंने मीशत की तरक्की के और इतने इसबाब इख्तियारे हुए हैं कि एक सबब जो एक सबब है ना सूद वो तबाही का जरिया नहीं बन रहा अगर वो सूद को भी खत्म कर दें अपने मुआरे से तो आज वो मुआशी जिस सतह पे पहुंचे हुए उससे दस गुना आगे जा चुके होंगे वो हमारे यहां मुआशी तरक्की के कोई इसबाब नहीं है और सूदी निजाम से जो होनी चाहिए थी तरक्की वो भी नहीं हो पा रही और तनजुल की तरफ करंसी देख लो ना पच्चीस साल पहले का आप दस रुपए उठा के दस लाख रुपए उठा के देखो या दस रुपए उठा के देखो और आज देखो जमीन आसमान का फर्क है जमीन आसमान का फर्क 25 साल पहले सोने की कीमत देख लो और आज कीमत देख लो ये तो ये तो, तो मुशाहे पर मबनी एक हकीकत है तो जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं इंसान धोखे में आता है अपनी मौजूदा हालत को देखकर और वो ये समझ बैठता है कि मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है आप हर वक्त तैयार रहें किसी को किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता फिरौन इसी चक्कर में आ गया था तो फ़िरौन के दरबार में जो एक आदमी मुसलमान हुआ ना जिसने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था उसने फ़िरौन को क्या कहा है या कौमी लको मुल मुल कुल यौमा ज़ाहिरी नफिल अर् मेरी कौम देखो आज तुम्हारे पास बादशाहत है आज तुम ज़मीन में गालिब हो अच्छा वो ये शो कर रहा है मैं तुम्हारा ही में सही ही हूँ लेकिन मूसा की बात को थोड़ा सा गौर कर लो यानी इतना भी रद्द ना करोगे बस जो मूसा का आप सुनना ही नहीं है सुन तो लो ना एक दफ़ा सुन तो लो क्या कह रहे है। तो वो एक हिकमत के साथ तब्लीग कर रहे हैं ना अगर वो ये शो कर दे मैं तो मूसा पर ईमान ले आया फिर तो कोई बात सुनेगा ही नहीं तो वो ये शो नहीं कर रहा कि मैं मूसा पर ईमान ला आया हूं वो कह रहा है भाई हमको ये चाहिए कि हम गौर कर लें कि मूसा की बात को सीरियस लेके एक दफ़ा एक दफा गौर करें अगर उसके बात गलत लगती है तो रिजेक्ट कर दें लेकिन यह जो कह रहे हैं सुनना ही नहीं है आपने देखा होगा तबलीग वाले किसी के घर जा दरवाजा बजाया ना ये दीन हमारे अंदर आ जाए और हमने कलमा पढ़ा है बहुत लोग सुन लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते ये टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा निकलो यहां से भाई आप नहीं जाओ थोड़ी देर सुन लो कभी अकेले में बैठ के शायद गौर करने की तोफीक मिल जाए यार कोई बंदा कोई बात कहकर गया है कोई गलत ऐसा तो नहीं वो सही कह के गया हो जो आदमी सुनना बर्दाश्त नहीं करता ना अल्लाह उसको कभी हिदायत नहीं देते जो अपने बारे में ये फर्ज कर लेना कि मैं बिल्कुल सही हूं मुझे कोई समझाए नहीं मुझे कोई नसीहत ही नहीं चाहिए समझ लो इसकी तबाही यहां से शुरू हो गई और जो आदमी अपने कान खुले रखता है यार कोई बात मेरे फायदे की अगर बताओ तो मैं सुनता हूं ठीक है मेरी समझ में नहीं आई तो मैं उसको मुसरत कर दूंगा तो ये वो लोग होते हैं जिनमें तकबुर नहीं होता खतीब होते हैं आप उनको जाके बताना चाहो ना सर आपने बयान में ना 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 मुझे तुम कौन होते मुझे समझाने वाले समझ लो अब ये गलतियां करना शुरू करेगा अब ये फेंकता रहेगा और ये बर्बाद हो जाएगा तो जिस आदमी ने अपना लचक रखी होती है कि भाई मेरे में कोई गलती हो तो बता दो तो ठीक है वो गलती ना माने लेकिन सुन ले गौर कर ले इसी तरह एक एक गुजारिश करूंगा आप लोगों से देखो मेरे पास मियाँ बीवी के केसेस बहुत आते हैं इसलिए मैं बार बार ये टॉपिक लेकर आता हूँ और ये तो हर घर का मसला है ना जब बीवी आपकी आपको बोला करे ना आपके अंदर ये ख़राबी है मर्द में गड़बड़ होती है वो सुनता नहीं है मर्द में गड़बड़ क्या होती है वो सुनता नहीं है तो ना मानो बेगम की लेकिन एक दफ़ा गौर से सुन के गौर कर लो कहीं आ ये सही तो नहीं कह रही अक्सर मर्दों में ये होता है कि अगर बेगम ने या सुसर ने या सास ने दामाद को बोल दिया कि बेटा आप ये, आप जो है ना ये ज़रा सही नहीं कर रहे एकदम तैश में आ जाता है ये तैश में आना तकबुर है ये इसकी अलामत है देखो ये हो सकता है कि वो गलत कह रही हो सास साहब की हो सकता है आपके सुसर साहब गलत कह रहे हो एन मुमकिन है ये हो सकता है कि बेगम आपकी गलत कह रही हो तो कहने तो दो यार उसको ना। सुन लो यार आराम से सुन लो बोलो अच्छा गौर करूंगा मैं हमारे यहां बड़ा मसला ये और ये तो मैंने अब तो देखा है कि बड़ा जब छोटे को नसीहत करता है तो छोटा भी तैश में आ जाता है शरीयत तो यह कहती है छोटा अगर बड़े को कोई बात बता दे तो बड़ा भी तहमुल से सुन ले कि यार शायद सही कह रहा हूं लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है बड़ा अगर छोटे को कहेगा ना बाप अगर बेटे से कहेगा कि बेटा देखो तुम्हारे अंदर यह बात ठीक नहीं है तो बेटा फौरन गुस्से में आ जाता है तो ये अगर आपने अपने आप को यह समझ लिया है कि आप बुराई प्रूफ हैं आप बुरे हो ही नहीं सकते आप गलत हो ही नहीं सकते तो भाई आप ठीक होके भी फिर गलत हो समझ रहे हो ना अल्लाह की नजर में आप ठीक होके भी क्या हो बेशक हो सकता है वो बुराई आपके अंदर ना हो लेकिन जो आप सुनने का आपके अंदर तहमुल नहीं है तो इसकी अलामत है आप क्या हो देखो हम अपने हिसाब से किसी को देखते हैं कि ठीक है या नहीं अल्लाह अपने हिसाब से देखता है मैं आपको एक मिस मिसाल देता हूँ हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो भाई थे पिछली उम्मतों में एक बहुत परहेज़गार था एक गुनाहगार था जो परहेज़गार जो था ना वो गुनाहगार को समझाता था यार तू ये क्यों कर लिया कर वो सुनता रहता था अच्छा भाई ठीक है कोशिश करूँगा फिर ठीक नहीं होता था लेकिन सुनता था तकबर में नहीं आया कि तू कौन होता है मुझे समझाने वाला है भाई अच्छा भाई ठीक है फिर वो उसने कभी किसी दिन कहा तो कहा यार ठीक है यार अल्लाह माफ़ कर देगा यार तो एक दिन बड़ा समझा रहा था छोटे को या दूसरे दूसरे भाई को तो इसने कहा कि यार अल्लाह माफ़ करने वाला है इसने कहा अल्लाह की कसम खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा अल्लाह की कसम खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को इतना गज़ब आया अल्लाह ने फरमाया मुत अल्लाफर फुलान मेरे ऊपर कौन कसम उठा के कह सकता है कि मैं मफफरद नहीं करूँगा अल्लाह ने दोनों को मौत दी उसको बख्श दिया जो गुनहगार था और इसको जहन्नम में डाल दिया अल्लाह ने आप कह सकते हैं यार एक बात पर सारे सारी नेकियाँ ख़त्म हो गई उसकी बाहिर तो लगता है न माजअ अल्लाह को ये ता नहीं हो रहा असल बात ये कि उन नकियों की बेस क्या थी वो नेकियां नेकियां तो वो तकबर की बेस वो नेकियों की बेस ही गलत थी वो समझने लगा था कि मैं जो नेक आमाल कर रहा हूं जन्नत वाजिब हो चुकी है ठीक है ना मेरे लिए और इस पर जहनम तो जब आपके ये कॉन्सेप्ट ही गलत है तो इसका मतलब अल्लाह की नज़र में वो गुनाहगार नेक तो नहीं था लेकिन आपसे ज्यादा नेक था वो क्योंकि आपकी नेकियों की बेस ही गलत थी आपको तो नेकी करनी चाहिए थी भाई हम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं अल्लाह अपने फजल से नेक लोगों को जन्नत में दाखिल करता है अल्लाह पर लाजिम नहीं है मैं तो नेक करके भी मैं अल्लाह का शुगर कहां अदा कर रहा हूं आपको यह सोच के करना चाहिए था और दूसरे पे आपने जो अल्लाह पे कह दिया कि अल्लाह मफरत कर ही नहीं सकता ये इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई किसी से चंदा मांगने के लिए जाए उसकी मर्जी दे ना दे एक आदमी किसी सेठ साहब के पास गए जो बड़े सखी थे जो हर एक को लुटाया करते थे ना बड़े सखावत और उनको अपनी सखावत पे बड़ा नाज भी था आपने क्या किया कि एक आदमी उन सेठ साहब के पास चंदा लेने के लिए गया इतफाक से उस दिन सेठ साहब ने उसको किसी मसलह से नहीं दिया मना कर दिया आपको जब पता चला आपने कहा कि वो सेठ तो बड़ा कंजूस आदमी है अब आएगा सेठ को गुस्सा आई बस उन्होंने सेठ क्या करेगा उसको फकीर को जिसको रद्द किया था ना बुलाएगा और ब्लैंक चेक पकड़ा देगा उसको बोले भाई इसने मेरे पे कंजूसी का जो ताना लगाया ना ये ताना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मैंने तो तुझे किसी मसलहत से नहीं दिए थे पैसे लेकिन अब उससे बड़ी मसलहत आ गई है कि मुझे कंजूसी का ताना दिया जा रहा है ये ले इस पर करोड़ों रुपए लिख दे करोड़ तेरे हो गए तो वो आदमी तो मुस्तक नहीं था करोड़ों का लेकिन जो सेठ होता है ना जो कंजूसी के ताने को बर्दाश्त नहीं करता वो अपने आप से इस ताने को ख़त्म करने के लिए उसको करोड़ों का मालिक बना देगा कि अब अब कह के बता के मैं कंजूस हूं यहां भी यही हुआ है क्योंकि अल्लाह जवाद और करीम है ना अल्लाह बुखुल और कंजूसी का ताना बर्दाश्त नहीं करता अल्लाह यह ताना बर्दाश्त नहीं करता कि मैं रहीम करीम नहीं हूं सही है ना यह ताना अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है अब अल्लाह गुनागार को सज़ा दे रहा है उसमें उसकी मसलहत है उसका कानून यही है कि गुनाह होगा वजह और मसलहत क्या है अम अमन जालतकी नकलफुजार अल्लाह फरमाता है अगर मैं सारे गुनागारों को बख्श दूँ सज़ा ही ना दूँ तो जो गुनाह से बचे हैं और जो गुनाह करने वाले हैं वो सेम हो जाएंगे तो बचने वाले कहेंगे अल्लाह जब सभी की मफरत करनी थी तो हमने हमें इतना तकल्लुफ़ करने की जरूरत क्या थी हम नमाज पढ़ रहे हैं फजर की हम जनाब रोजे रख रहे हैं हम नजरों की हिफाजत कर रहे हैं और ये ताड़ू एक नंबर का कोई अंटी इसने महल्ले की छोड़ी नहीं है ये भी उसी जन्नत में मैं भी उसी जन्नत में तो हम भी यही कर लेते हम भी ताड़ू बन जाते तो कुरान कह रहा है अम न जालतकी न कल्फुजार ये कैसे हो सकता है कि मैं नेक लोग और परहेज लोगों को परहेजगारों को एक जैसा ठिकाना दे दूं तो आम रसूल अल्लाह का यही है गुनहगार को मिलेगी सजा वो सजा भुगतने के बाद जन्नत में जाएगा और नेक आदमी वो पहले ही जन्नत में जाएगा और जन्नत में जाएगा भी ऊंचे दर्जात में तो कानून यही है अब इसी कानून के मुताबिक अल्लाह ताला चाहते क्या करते जो भाई गुनागार था उसको क्या मिलनी चाहिए थी सजा उसूल तो यही था लेकिन जब अल्लाह को ताना दे दिया ना कि अल्लाह तो अल्लाह की कसम मफरत कर ही नहीं सकता ये ऐसे जैसे बड़े सेठ को आप कह दो खुदा की कसम इसकी जेब से कोई पांच रुपए निकाल के दिखाए वो कहेगा भाई तू मेरे अब तुझे क्यों चैलेंज कर रहा है ठीक है ना मुझे क्यों चैलेंज कर रहा है वो पांच नहीं वो पांच करोड़ निकाल के देगा और आपको तपाने के लिए देगा वो तो यहां क्या हुआ है अल्लाह को ये ताना दे दिया कि वो रहम नहीं कर सकता बंदों को माफ नहीं कर सकता तो अब अल्लाह को जो, की जो सिफत है ना जो गैरत वाली सिफत वो सिफत जोश में आई है कि मेरे को ये कह दिया मैं किसी गुनागार को बख्श नहीं सकता मैं बख्शूंगा इसको ठीक है ना मैं बख्शूंगा कर ले क्या करना है तूने तो वो गरीबी में उसकी क्या बख्शिश हो गई गरीब उसने आखिरत में भाई से गले मिल के कहेगा यार ने किया तूने किए फ़ायदा किसको पहुंचा दिया <laughs> तो अल्लाह भी कहेगा भाई तू बख्शने के काबिल नहीं था लेकिन हमने तो ये अपने आप से मैं ये ताने को बरी करना चाहता हूँ कि मैं गुनागार की मफरत ही नहीं कर सकता ये ताना मुझे जैसे यहूदियों ने कह दिया था ना कुरान में आता है कि यहूदियों ने कह दिया अल्लाह के बारे में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए ना तो यहूदियों की मीशत भी बैठना शुरू हो गई क्योंकि लोग मुसलमान हो रहे थे इस तरफ आ रहे थे तो यहूदियों के कच्चे छट्टे खत्म होना शुरू हो गए तो यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया यह मगलूल अल्लाह के हाथ तंग है ऐसे तरसार तरसा के देता है अल्लाह को इतना गुस्सा आया कि कुरान में अल्लाह ने आयतें नाजिल की वकालत यहूद मकलूल यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं फरमाया दी इनके हाथ अल्लाह ने बांध दिए हैं ये कंजूस हैं बल यदाह मबसू जैसे हम हम जब किसी को ताना देते हैं ना कोई आपको बोले कि तू चोर है तेरा बाप चोर है हम कहते हैं ना <laughs> क्या ख्याल है चोर होगा तेरा बाप ऐसे ही कहते हैं कि नहीं कहते अगर थोड़ा गुस्सा आए तो आप बोलेंगे मैं चोर नहीं हूं इसकी अलामत है कि आप चोर हैं क्योंकि जो बिल्कुल चोर नहीं होता ना वो चोरी का था ना उसको थोड़ी सुनता है अगर आप बाकी चोर वो चोरियां करते थे किसी ने आके बोल दिया यार तुम तो चोर हो तो आप कहेंगे नहीं डरने नहीं, लगो नहीं नहीं भाई मैं चोर नहीं हूँ भाई मैं चोर नहीं हूँ ऐसे करोगे ना लेकिन अगर आपने जिंदगी में कभी मस्जिद से चप्पल भी नहीं चोराई गलती से भी किसी की चप्पल पहन के घर गए चोरी के इल्ज़ाम से बिल्कुल दूर फिर अगर कोई आपको आके कहते है तू चोर हो तो फिर आपको आएगा गुस्सा क्योंकि आपकी गैरत जाग उठेगी फिर आप बोले तेरा बाप चोर होगा <laughs> चोर होगा चोर होगे, तेरा दादा चोर है तुम्हारी नस्लें ये होता है ना ऐसा ही आता है ना तो अल्लाह चूंकि जवाद और करीम है ना बहुत खर्च करता है तो अल्लाह ने यहूदियों को सिर्फ ये जवाब नहीं दिया यहूदी ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए अल्लाह ने कहा बिल्कुल गलत कह रहे हैं नहीं कुरान में ऐसी आयत नासिर करते ये झूठ बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गलत बयानी से काम ले रहे हैं मैं तो बड़ा सखी हूँ देखो मैंने सूरज पैदा किया मैं ज़मीन से फिर अल्लाह अपनी किबरियाई बयान करना शुरू करते तो मैंने तो ज़मीन से ये ये चीज़ें पैदा की ना 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 ये स्टाइल इस मौके पर यह अंदाज़ बलागत के खिलाफ होता कि अल्लाह अपनी नमतें घिनवाना शुरू कर देता ये बलागत के खिलाफ होता अल्लाह ने बताया कि मेरी मुझे बखुल का ताना बर्दाश्त नहीं है क्यों जो जवाद और करीम होता है ना बहुत ज्यादा वो कंजूसी का ताना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता वो तो गैरत का मसला बना लेता है ये इसकी अलामत होती है इसको बहुत बड़ा जुर्म समझता है ये देखो आप किसी गोरे को बोल दो कि तू यार बदनजरी करता है तो आंख मटक्का करता है लड़कियों का वो कह गया थैंक यू कह गया भाई आपका बहुत शुक्रिया सिर्फ इतना सा करता हूं मैं है भाई क्योंकि उनके यहां उनसे ज्यादा हो रहा है वो कहेंगे क्या है इसको जुर्म नहीं समझेगा लेकिन आप या किसी गोरे को जानी कह दो अबे तू तो शादी के बग़ैर किसी लड़की से तेरे ताल्लुक़ात हैं क्या मेरी बॉडी एक्चुअली मैं मेरी मर्ज़ी में जो मर्जी करूँ वो इसको इतना बड़ा मसला नहीं समझते लेकिन गोरे के सामने ये बताओ कि फला आदमी इतना अच्छा है कि वो कह रहा है भाई मैम तो मेरी पे बिलीव करता हूँ मैं तो शादी करके वो कहकर चलो यार अच्छा बहुत तहजीब याफ्ता आदमी है वो वेरी गुड कह के निकल जाएगा बदली गली से ठीक है ना कि यार चलो अच्छा है ऐसे लोग भी कुछ मार्केट में दो चार अजायब घर में रखने के लिए होने चाहिए ठीक है न कि जो भी, भी शादी में बिलीव करते हैं अच्छा है हमारे अजायब घर इससे चलते रहेंगे जैसे वो चर्चों के कायल हैं कि भाई एक कदीम एक रिवायात हैं कि एक मजहब का बिल्कुल ही उनसर ख़त्म हो जाए तो वो एक तो बिल्कुल ही रवायात ही ख़त्म हो जाएंगी ना तो दो चार पादरी अजायब घर में रखने के लिए होने चाहिए ताकि पता चले हम असल में क्रिश्चन हैं तो ये सब चीज़ें वो रखते हैं मैंटेन कि हमारा कल्चर ख़त्म ना हो हर अच्छी कौम ये काम करती है कल्चर को बाकी रखने की कोशिश करती है तो खैर अब क्या है कि लेकिन आप यहां किसी परहेजगार आदमी कोई बुजुर्ग जो हर वक्त बद नजरी के खिलाफ बयान करते हो वो तो आप उनको बोलो कि ये ताड़ू है अभी जानी भी नहीं कहा उसको ऐसा गुस्सा आएगा वो क्यों? वो इस जुर्म को बहुत बड़ा जुर्म समझ रहा है तो वो कहेगा तेरा बाप ताड़ू होगा <laughs> तू अपना डीएनए करा जाके तेरे तो नस्ब पे मुझे शक है ऐसे ऐसे थाने देना शुरू कर दे ये बलागत तो होगी इस मौके पर तो ये गुस्सा आना इसकीमत होगी आप इस ताने को हल्का नहीं समझते इस मौके पर हमेशा नहीं ऐसा होता बा मसला इंसान खामोश रहता है कि यार लोग तो बोलते रहते हैं अब हर एक को जवाब देंगे तो मसला हतान एक अलग बात है लेकिन नॉर्मली जवाब का स्टाइल ये होता है तो अल्लाह मियाँ ने जब यहूदियों ने कहा ना कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं तो अल्लाह ने यह नहीं कहा कि नहीं मेरे हाथ बंधे हुए नहीं है देखो मैं तो खरबूजा पैदा किया मैंने तो खजूर पैदा की मैं तो इतना खिला रहा हूँ इतना पिला रहा हूँ सुबह शाम ना 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 अल्लाह ने जवाब दी क्योंकि अल्लाह को ये ताना पसंद नहीं है अल्लाह ने क्या फरमाया और आज भी कंजूस पर पर अल्लाह के देखो यहूदियों ने कहा था अल्लाह के हाथ दोनों हाथ नहीं कहा था हालांकि दोनों हाथ ही बंधे हुए होते हैं ना जब किसी के होते हैं लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं ना बल के दोनों हाथ क्योंकि हाथ का लफ्ज एक पर भी इतलाक होता है दो पर भी होता है तो ये शुभ हो सकता था शायद अल्लाह ने एक हाथ पीछे किया हुआ है दूसरे हाथ से अपने बंदों को दे रहा है तो अल्लाह ने दोनों का तस्करा कर दिया बल बलान अल्लाह के दोनों हाथ ऐसे खुले हुए हैं यों फिको कईफा यशा जैसे चाहता है बंदों पर खर्च करता है क्यों हम जब किसी पे खर्च करते हैं तो जैसे चाहते हैं वैसे कर नहीं सकते हम क्योंकि हमें डर होता है कि यार हमारे पास कहीं ख़त्म ना हो जाए अल्लाह कहते हैं मुझे ये खौफ नहीं है जैसे चाहता हूं अपने बंदों पर खर्च करता हूं तो ये खुद अल्लाह के जवाद और करीम होने की अलामत ऐसा जवाद और करीम खुदा हो और आदमी कह रहा हो दूसरे के बाद तीसरा बच्चा हुआ तो खाएगा कहां से तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है आप कह लो अल्लाह बहुत करीम है अल्लाह आपके अमल से देखेगा कि मुझे करीम समझता भी है कि नहीं समझता अब ये भाई ने माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है इराक गए ना ये तो दाढ़ी की वजह से इनकी जॉब नहीं मिली इनको उन्होंने कहा कि भाई दाढ़ी काटनी है तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया मैंने कहा दाढ़ी काटना जायज़ नहीं है आप दूसरी जॉब तलाश कर लो इन्होंने छोड़ दी जॉब तो जो आदमी अल्लाह को करीम समझेगा कि यार ख़जाने किसके हाथ में हैं अल्लाह के वो हराम की तरफ नहीं जाएगा लेकिन हम क्या हो रहा है कि सारे गुनाह करके सब गुनाह करके ही आपने अगर कमाना है तो फिर अल्लाह करीम का क्या मतलब हुआ गोरा कहता है तुम भी इस्बाब पे यकीन करते हो मैं भी इस्बाब पे यकीन करता हूं तुम बस अल्लाह को कह देते हो कि वो रिश्क देने वाला है तो तो मैं भी कह देता हूं तो फ़र्क क्या हो गया काफिर में मुसलमान में फ़र्क ये है कि मुसलमान इसबाब इख्तियार करता है रोज़ी के लेकिन नाजायज की तरफ नहीं जाता क्यों वो कहता है इसबाब से नहीं है रिश्क देने वाला कौन है अल्लाह है फिर भी अगर रिस ना मिले ना तो समझ लो कि अल्लाह की मसलहत मेरे साथ यही है कुछ मुझे आज़माना चाहता है क्योंकि जिसके पास हो वो ना दे रहा हो तो कोई मसलहत तो होती है ना बाप की जेब में पैसे भरे हुए हैं बच्चा जेब खर्ची मांग रहा है बाप नहीं दे रहा इसका यह मतलब नहीं है कि भाई बाप जालिम है बाप कुछ और चाह रहा है बाप चाह रहा है तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ले इससे बाप चाह रहा है कि तुम्हारी आदत ना खराब हो जाए तुम कहीं अयाशियों में ना पड़ जाओ तो कोई मसलहत से नहीं दे रहा तो उसी में खैर है तो बाज दफा अल्लाह किसी को ज्यादा रोजी दे देता है बाज दफा किसी को तंग रोजी देता है किसी मसलहत से जिसकी रोजी तंग कर दी वो इसी में खुश रहे कि इसी में मेरी खैर होगी तो बात को ख़त्म करता हूँ मैं तो फ़िरौन को हामान को दुनिया की ज़ाहरी हालत देख कर ये ख्याल गुजरा कि हम हमेशा इसी तरह रहेंगे जवान आदमी ये समझता है मैं हमेशा इसी तरह रहूँगा खूबसूरत ये समझता है मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा दौलतमंद समझता है मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा भाई ये थोड़े दिन में टाइम ख़त्म और जब आपका टाइम आएगा ना पड़े हुए होगे बिस्तर पर और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होगे तो आपको और मुझे इबरत होगी लेकिन हमें देख के दूसरे को फिर भी इबरत नहीं होगी समझ रहे हैं? हमें तो इबरत हो जाएगी यार हम क्या करते रहे रहें है ना जहां तो कहीं और रहे हैं तैयारी हमने कहीं और के लिए की नजर सुए दुनिया कदम सुए मरकद कहां जा रहा है किधर देखता है कदम है कब्रिस्तान की तरफ दिल लगा रहा है बहरिया टाउन के प्लाटों में अबे बहरिया के कब्रिस्तान में ही दिल लगा ले तू क्यों वो तो यकीनी है ना बहरिया टाउन जो भी जाएगा बिल आखिर वहां के कब्रिस्तान में तो जाएगा तो वहां का की तरफ तवज्जो ही नहीं है तो शायर ने कहा है मरकत कहते हैं कबर को नजर सूए दुनिया कदम सूए मरकत तेरी नजर दुनिया की तरफ है चल के कहां जा रहा है कबर की तरफ कहां जा रहा है किधर देख रहा है एक आदमी के सामने गटर का ढक्कन खुला हुआ हो और वो पीछे देख के जा रहा हो तो अगला कहेगा भाई जिधर को जा रहा है देख भी तो उधर ही को ना <laughs> या तो उधर ही जाना शुरू कर दे जहां को तू जा रहा है देख पीछे रहा है बिल्डिंगों की तरफ ना खूबसूरत बिल्डिंग है यार ज़बरदस्त और उधर को चलता हुआ जा रहा है।, है आगे गटर खुला हुआ है कह रहे यार लोग कह रहे हैं भाई गटर देख कह रहे भाई गटर वटर ये मौलवी दकिया नूस किस्म के लोगों की बातें आगे गटर खुला हुआ है ढक्कन खुला हुआ है उधर गिरेगा ये पुराने देख क्या लग्जरी स्टाइल है बहरिया टाउन का यार वो देख क्या खूबसूरत बिल्डिंग अब वो देख यार गाड़ी देख वो देख बंगला देख तो भाई तो फिर जा भी उधर ही को अपना रुख चेंज कर ले जब वो रुख चेंज करना आपके बस में नहीं है तो जिधर जा रहे हो ना तो जब भी कोई कहे ना वो पीछे मुड़ के देख बहरिया टाउन बोले आगे गटर है इतना देख के आगे वो अफोर्ड कर सके तो जब भी आया ना कि यार ये बंगले ये गाड़ियाँ अब आगे कबर है ठीक है ना जा कर आ रहा हूँ कोई चालीस साल का हो गया पचास साल का पंद्रह साल रह गए दस साल रह गए और ये भी नहीं पता है गटर में तो पता होता है तीन फुट के बाद जाके गिरूंगा हकीकत है थोड़ा एहतियात करता है चलो जब करीब पहुंचेंगे तो देख लेंगे लेकिन वहां तो पहले से ही देख रहा होता है तो खबर का भाई कुछ नहीं पता कि दस साल लगेंगे बीस साल लगेंगे पंद्रह साल लगेंगे या कल इन्ना लीला हो जाए कुछ पता अभी आज जनाजा आया दूल्हा का वलीमा था एक रात रोजा के साथ गुजारी वलीमा जिस दिन था हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया तो कितना ये होता है और ये तो फिर भी एक रात गुजारी मैं ऐसे दूल्हा को जानता हूं हमारे जानने वाले थे दूल्हा ब्यूटी पार्लर जा रहा था जिस दिन निकाह था ना उसका बारात बैठी हुई है शादी में और वो ब्यूटी पार्लर जा रहा है बाइक पे अपने दोस्त के साथ किसी कराची में ये पेट्रोल पम्प के करीब ना ये जो नाजामबाद पेट्रोल पम्प नहीं है यहाँ क्या हुआ है कि बाइक स्लिप हुई है पीछे मज़दा वाला सर को चल के चला गया क्या गुज़री होगी वालदेन पर यार हमारा बेटा जिसकी शादी हो रही है दूल्हा बना हुआ है दो्हन पर क्या गुजरी होगी वो उसकी पिचका व आ रहा है तो ये सब अल्लाह बचाए हम सब आफियत में रहा अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए लेकिन ये सब दुनिया में हो रहा है इसलिए दिल लगाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास काम सारे करो दिल ना लगाओ इस्लाम आपको काम से मना थोड़ी करता है भाई क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो भाई वो भी सकती है शादी हो सकता है जिस दिन तय हो उससे पहले इन्ना लिला हो जाए हमारे हजरत फरमाया फरमाते थे कि जब जिस दिन मेरी शादी हमारे हजरत की तो फरमाया कि मैं जब जवान आदमी की शादी होती है तो उसको खुश हो। होना तो चाहिए ना उस दिन आजकल कुछ लोग हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं वो मुझे नहीं पता लेकिन होना चाहिए एक्चुअली उसको उस दिन बहुत ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुश होता है तो वो कुछ लोग कहेंगे हम तो खुश नहीं थे तो वो उनका मसला है तो वैसे नॉर्मली इंसान को खुश होना चाहिए तो हजरत ने फरमाया कि मेरी जब शादी हुई ना और जो नज़र की हिफाजत करने वाले लोग हैं जो पाक दामन लोग हैं उनको निकाह में लज्ज़त भी अल्लाह ने ज़्यादा रखी होती है तो हजरत फरमाते हैं कि मैं जब घर वालों के पास जाने लगा तो मैंने दिल में सोचा कि अगर इस वक्त मौत का फरिश्ता आए और कह चल भाई आखिरत के लिए तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी हैं भाई आदमी उसूली तौर पर शायद हम जैसे नालायक होते हम कहते अल्लाह तीन चार दिन तो मोहलत दे दे <laughs> इतने अरसे के बाद पहली दफ़ा शादी हो रही है तारिक मसूद साहब होते तो चलो कोई मसला नहीं था <laughs> कई दफ़ा हो चुकी थी पहले भी इरादा भी एक का हो हजरत का तो एक ही का इरादा था एक ही की उन्होंने वो तो दूसरी के एक गुत कहते थे ये जिसने कोई गम ना हो जैसे कहते हैं ना बकरी पाल ले <laughs> तो तो क्या हालत होगी और पाक दामन और हमारे हजरत की सेहत भी बड़ी ज़बरदस्त थी मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रही लुधियाना के पंजाब के थे अब सब सनोबर के तने जैसा उनका कद था माशा बहुत ज़बरदस्त सेहत हजरत के जब भी कई वाकत हैं हजरत के जब भी तो नहीं कह सकता वाकियात हैं अनवार रशीद में जो उनकी किताब है उसमें लिखे हुए हैं कि कलाइयाँ तोड़ी हैं फड्डों के दौरान ठीक है ना पहलवानों की कलाइयाँ तोड़ी हैं थे दुबले पतले तो लेकिन जब उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं ना फड्डों के दौरान पहलवान की कलाइयाँ तोड़ी हैं दो दो तीन पहलवानों की किसी की कलाई तोड़ दी किसी का सेटिंग आउट हो गई भाग गए वो तो बहुत ज़बरदस्त फाइट करना जानते थे बड़ी ख़ानदानी सेहत रखी हुई थी तो सेहतमंद आदमी वो तो ज़ाहिर है और ज़्यादा उसको निकाह में रगबत होती है तो हज़रत फरमाते हैं मैंने अपना मुहासबा किया वो हर वक्त ना अपने आप को चेक करते थे ये बड़े लोग कि हम दुनिया आखिरत से गाफिल तो नहीं हो रहे कहीं ये नहीं हर वक्त चेक कि दुनिया में दुनिया की नेमतें तो सारी रखनी है लेकिन आखिरत को हमेशा दुनिया पे तरजीह भाई तैयार हर वक्त मौत के लिए तो मैं और आप होते हम कहते हैं अल्लाह छः महीने की मोहलत दे दे दस महीने की मोहलत दे दे हमारे तो आगे भी बड़े प्लान है ना या अल्लाह अभी तो मेरी शादी हुई है अभी तो मैं मुफ्ती साहब के बयान सुनना मैंने शुरू किए हैं अभी तो बेगम का जहन बनाना है दूसरी के लिए फिर तीसरी के लिए फिर चौथी के लिए फिर जब चार हो जाएंगे फिर बच्चे होंगे फिर बेटियाँ होंगी फिर बेटियाँ बड़ी होंगी फिर बेटियों की शादी होंगी फिर बेटे स्टेबल हो जाएंगे फिर फिर मैं उनके लिए प्रॉपर्टी बनाने की सोचूंगा फिर मैं इनके लिए इतने मकान बनाऊँगा फिर मैं मकान बना के फिर जब सबको नाम कर करके प्रॉपर्टी तकसीम करके फिर मैं आखिर में हज पे जाऊंगा फिर मैं हज से आने के बाद कज़ाए उम्री भी मैंने करनी है चालीस साल से मैंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी है वो कज़ाए उम्री मेरी कंप्लीट हो जाए उसके कंप्लीट होने के बाद भी सोच रहा होता है अभी मरना मुनासिब रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ दो तीन कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई हैं अभी भी सोच रहा होता है कि अभी मुनासिब है कि नहीं तो बच्चे भी हो गए बच्चों की शादियाँ भी हो गई सारे काम धंधों से फारे होकर फिर चार महीने भी तबलीग में बहुत अरसे से सोचा हैं जो नेक लोगों की बात कर रहा हूँ जो बुरे लोग हैं वो तो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं दुनिया से जाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता जो नेक है परहेजगार है उनकी बात फिर आखिर में यार हम चार महीने भी तबलीग में हमने कब से सोचा हुआ था जब सब कामों से फ़ारग होंगे तो हज किया फिर चार महीने के लिए तबलीग में जा के होकर आए फिर अल्लाह फिर अगर फरिश्ता आ जाए तो मुझे मुझे शायद कोई एतराज ना हो ये बहुत नेक आदमी की बात कर रहा हूं थोड़ा सा भी हो कह कहकर फिर भी नहीं सही है ना <laughs> फिर भी नहीं तो हम हम में से हर शख्स ने यही प्लान किया हुआ है चार का शायद नहीं किया हुआ लेकिन एक में ही के बच्चे होंगे फिर बेटियों की शादी हो जाएंगी फिर हालांकि बच्चे भी एक आध हो रहे हैं कि क्या प्लान करना है यार इन दो बच्चों के लिए तूने छोड़ दे इनको यार छोड़ दे इनको खुद ही पल जाएंगे प्लान करने के लिए कुछ बच्चे तो हो यार मजा तो आए यार पच्चीस तीस बच्चे आदमी प्लानिंग कर रहा है यार ये वाला कोई तबली में भेज दो इसको इंजीनियर बना दो इसको आर्मी में भेज दो मज़ा भी आता है प्लान करते हुए आप कहोगे इतने वसाइल कहाँ से आएंगे हो जाएंगे ठीक है ना अल्लाह ने चाह तो प्लान करने का मजा भी जब आता है जब आपके पास होल के हिसाब से औला दो फिर आदमी सोचता है इसको रक्शे पे लगा दो इसको डब्ल्यू आर एक कंडक्टर डब्ल्यू आर का भी घर में होना चाहिए इसको डॉक्टर बनाऊँगा इसको मैं साइंटिस्ट बनाऊँगा इसको मैं फौज में कमीशन ऑफिसर भेजूंगा इसको मैं ताजर बनाऊँगा प्लान करने में मज़ा आता है एक आध बच्चा है भाई तू ने जो बनना है ना बन के बता देना मुझे क्या बन खुद ही इतला दे देना तो वो प्लान नहीं होता खैर तो हमारे हजरत का क्या सोच फरमाते हैं मेरा निका हुआ मेरी रुख्सती हो गई तो मैं सोच रहा हूं कि अगर इस मौके पर मौत का फरिश्ता आए तो मुझे धचका तो नहीं लगेगा कि यार थोड़ा टाइम मांग लूँ हजरत फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार दिल को टटोला मैंने कहा नहीं मुझे मरने में कोई गम नहीं कोई गम इनशा नहीं होगा सही है ना? ये ये शरीयत हमसे ये चाहती है शरीयत हमसे ये चाहती है तो हम लोग इस पर हैं नहीं तो ये बन जाए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ज़िंदगी खुशी में वो मैं मौसीकी बात फिर अगले बयान में करूँगा इन कि जो कहते हैं ना मौसीकी लाइफ में बोरिंग वो जो हमारे कज़न का मैं बता रहा था ना यही बोरिंग लाइफ तो बात ये है कि जिस लाइफ को आप बोरिंग समझ रहे हो ना ख़ुशियाँ उसी में हैं और जिस लाइफ को आप समझ रहे हो ना इंटरटेनमेंट वो ऐसे इंटरटेनमेंट है जैसे चर्सी को हीरोइन ची को चर्स पीते हुए मजा आता है बस वो चर्स के दौरान ही आता है उसके बाद फिर खत्म फिर वो ज्यादा डिप्रेशन में जाता है चर्सी आपको पता है जो लोग चाय नहीं पीते उनको गुस्सा कम आता है चाय पीने वालों को जा... मैं भी पीता हूं चाय आदत पड़ी हुई है लेकिन कोई बहुत ज्यादा इस यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है चाय तो सबसे कम दर्जे का है ना कैफीन ना पियो तो अच्छा है पी रहे हो तो मैंने दो तीन डॉक्टरों से कहा उन्होंने कहा यार सुट्टा नहीं लगा रहे चरस नहीं पी रहे तो चलो यार इतना मार्केट में चलता है और मुझे चाय की आदत लोगों ने डाली है मैंने छोड़ दी थी एक साल चाय छोड़ दी थी कि फजूल चीज़ है क्या करना है पी के बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी फिर वो लोगों ने पिला पिला के ना हमारे के पी के के लोग सखी इतने हैं कि अगर चाय नहीं पियो ना तो फिर ये दुम्बा खिलाते हैं पेट भरा हुआ है नहीं खा सकता दुम्बा भाई कह रहे हैं फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं वो कह रहे हैं हमारे यहाँ मेहमान आया ये कैसे हो सकता है कि ये खाली पेट चलाए तेरा बाप भी खाएगा हकीकत है हमारे मेहमान आए यार खाली पेट चले अबे भाई मैं उसके भी तो मेहमान था उधर मैं दुम्बा चर्बी में खा के आया हुआ हूं वहां मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली लस्सी भी पी ली भाई मैं फट फटा के मर जाऊंगा कह रही है हमारे ये हम लोग सोच रहे बच्च, अपने बच्चों को क्या बताएंगे यार हमारे मेहमान आए और ये तो गैरत का मसला है तो चाय सबसे क्या है हल्की चीज हम कहते भाई तू चाय बना के ले आये वरना कोल्ड ड्रिंक तो उससे ज्यादा खतरनाक है लस्सी की जगह नहीं है पेट में तो मजबूर फिर लोग भी ऐसे ही हैं तो यानी जो पंजाब में जाओ तो हर जगह फिर हमने कहा यार ये ये इससे पाकिस्तान में बचना हम मेरे जैसे आदमी के लिए मुमकिन नहीं है पीले ठीक <laughs> है ना <laughs> क्या है क्या हो जाए लेकिन हकीकत बताऊं मैंने जब एक साल चाय छोड़ी रखी थी ना तो मुझे हो गया था कि जो मेरे अंदर गस, हर आदमी में कुछ ना कुछ गुस्सा तो होता है ना वो भी ख़त्म हो गया था यानी गुस्से वाली बात पर भी नहीं आ रहा था वजह क्या है कि चाय भी आपको रिलैक्स करती है ना तो जब आपको रिलैक्स करती है तो फिर आप उसके आदि हो जाते हैं फिर आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है तो ये हर चीज़ में ऐसा ही बढ़ाते बढ़ाते लेकिन वो क्योंकि बहुत कम दर्जे का नशा है वो बहुत ज़्यादा पीते रहो तो जाके होता है और उससे छोड़ना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है तीन चार दिन तक आठ दस दिन तक असर होगा फिर नॉर्मल जाओगे लेकिन जो ज़्यादा नशे की चीज़ें हैं ना वो बड़ी डेंजरस होती हैं उसमें जर्सी हीरोइन चीज़ ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं हालांकि वो डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए पी रहे होते हैं <laughs> सही है अबे भाई तो डिप्रेशन हो एक हमारे महल में एक एक बंदा था वो सिगरेट पीते थे वो पचपन साठ साल उनकी उम्र उनके फेफड़ों में बलगम बहुत पैदा होता था टी हो गई उनको वो सिगरेट पीते थे तो बलगम निकलता डॉक्टर कह रहे हैं ये सिगरेट छोड़ दे वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब जब से सिगरेट पीता हूँ तो बलगम उखड़ता है अब जब नहीं पीते तो वो और तकलीफ होती थी डॉक्टर ने कहा ये पैदा सिगरेट की वजह से हो रहा है जब पीना छोड़ दोगे थोड़े दिन तकलीफ होगी ये पैदा होना ही खत्म लेकिन सिगरेट पीने वाले की खोपड़ी में ये बात नहीं आती वो समझता है सिगरेट पी के मैं रिलैक्स हो जाता हूं अबे भाई जो सिगरेट नहीं पीता वो पिए पी बगैर रिलैक्स होता है ठीक है ना जो तेरी कंडीशन सिगरेट पीने के बाद बनती है ना तुझे खुशी महसूस होती है वो जो इसको सिगरेट की आदत ना हो वो सिगरेट के बगैर वो खुशी महसूस करता है तो मौसीकी और ये इंटरटेनमेंट का भी यही है कि जो इन चीज़ों के आदि हो गए उनको खुशी के लिए ये चीज़ें चाहिए नहीं मिलेंगी तो टेंशन में जाते हैं और जो इन चीज़ों के आदि नहीं है वो ये चीज़ें सुने बगैर वो मज़े में होते हैं जो आपको मौसी सुन के मज़ा आ रहा होता है ये बात खोपड़ी में लोगों की आ नहीं रही है तो ये फिर कभी किसी और मौके पर इनशाला इस पर मैं तफ्सी बात करूँगा अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तोफ़ीकता फरमाए और इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझने की तोफ़ीकतः फरमा दे तो ये बड़ी मज़े की लाइफ हो जाएगी आपकी गुना भी छूट जाएँगे फिर पैसा तो कमाने से मना भी नहीं किया फिर आपको हज़ार गज़ का बंगला मिल जाए ठीक है यार इंजॉय करो नहीं मिले ठीक है गाड़ी मिल गई ठीक है नहीं तो डब्ल्यू आर रहा बैंक इस्लामी से पाक कतर तकफुल लेना कैसा है हम तक जाम तो रशीद में बहुत से सेलमा को तकाफुल पर एतराज़ है मेरे जैसा चीज भी मतम नहीं है तकाफुल पर बाकी दारालम के बड़े बड़े उसको जायज़ कहते हैं जब दो अहल हकामा में इख्ताफ हो जाता है तो फिर आमी आदमी यही है कि एहतियात ये है कि ना किया जाए और गुंजाइश ये है कि कर लिया जाए तो दोनों कॉल पर अमल किया जा सकता है क्योंकि आम ही आदमी के लिए तो दोनों एक जैसे हैं ना जब भी कोई ऐसा इख्तलाफ़ होता है ना तो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि इसमें अहवत यह है कि इससे बचो असर यानी आसानी इसमें है कि कर लो क्योंकि अब इख्तलाफ है तो खालस हराम नहीं कह सकते उसको समझते हो तो कोई करना चाहे तो या किसी को उनपी राय पर अतमाद हो तो ठीक है सऊदी अरब ने तोली जमात पर पाबंदी लगा दी है देखो बात यह है मैं बार बार ये कहता हूँ अनवर मकसूद ने जब मोन अख्तर से पूछा ना कि मामू क्या करते हैं तो मोन अख्तर ने कहा मामू की बातें किससे पूछो मामू की तो सऊदी हुकूमत जो कर रही है ना तो सऊदिया की बातें किससे पूछो साथी। हुकूमत सऊदिया से पूछो मुझसे पूछ के पाबंदी नहीं लगाई आई बस उन्होंने तो वो प्रोग्राम का मुझे मैंने क्लिप देखा था बहुत जगह फ़ायदा हुआ बहुत जगह फ़ायदा हुआ घर में भी फ़ायदा हुआ मेरे घर वाले मुझसे कुछ पूछ रहे होते हैं ना कि वो क्या कह रहा था मैंने कहा मामू की बातें किससे पूछो मामू से पूछो तो मस्जिद में भी फ़ायदा हुआ लोग मुझसे आगे पूछ रहे होते हैं कहता तो भाई मोन अख्तर से हमने एक चीज़ सीखी है उसके शॉर्ट क्लिप में अनवर मसूद ने पूछा कि मामू क्या करते हैं उसने कहा मामू की बातें मामू से फिर जब बहुत ज़्यादा पूछा उसने कहा मामू गालियाँ देते हैं ये करते हैं गलत किया भाई अल्लाह तबली जमात पे पाबंदियों को हटाए सऊदी अरब में एक साहब कहते हैं कि मुफ्ती साहब के पास इल्म बहुत है लेकिन तकवा नहीं है खास तौर पर जब से आप मशहूर हुए शायद सही कहते हो भाई दुआ करो अल्लाह तकवा ता दे ठीक है ना क्या आज के दौर में कोई बगैर निका के वली उल्ला बन सकता है बन सकता है बगैर लेकिन निका तो वली उल्ला बनने में शामिल है ना जब सुन्नत को क्यों फॉलो नहीं कर रहा वो वली उल्ला किसे कहते हैं कि जो पूरी शरीत पर अमल करे हदीस में आता है जो जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो हम में से नहीं है तो इस्तात के बावजूद अगर निका ना करे तो, तो नबी की वहीद है उस पर मैं किसी शरी पर्दे वाली लड़की से शादी करना चाहूँ लेकिन वालदा राजी नहीं है वालदा को मनाए पर्दे वाली लड़की से शादी करेंगे तो आगे बच्चियाँ भी आपकी पर्दा करेंगी अगर आपने पर्दे वाली लड़की से शादी नहीं कि आगे बचियाँ फिर नहीं करेंगी बाद लोग कहते हैं जी वो अभी तो पर्दा नहीं कर रही शादी के बाद पर्दा करवा दूँगा तो ये आपके इख्तियार में नहीं है हो सकता है कर ले हो सकता है ना करें आज कल कर इख्तियार में नहीं है ये 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 नहीं कहते कि मैं किसी आम लड़की से शादी करूंगा शादी के बाद डॉक्टर बना दूंगा उसको वहाँ रेडीमेड डॉक्टर चाहिए है भाई अपने खर्चे पर डॉक्टर बना दूंगा ऐसा नहीं कहते तो पर्दे में रेडीमेड पर्दे वाली होनी चाहिए मेरी राय यही है दरजना गुदरजना किस नस्बत से कहते हैं निज़ामुद्दीन अउलिया ने इसका निसाब मरतब किया था एक हमारे रिश्तेदार खानून पर्दा करती थीं लेकिन जब से आपका बयान सुना चेहरे का पर्दा इख्तलाफी मसला है तो उन्होंने चेहरा चुपाना छोड़ दिया कि गुंजाइश से फ़ायदा उठाया जाए मैंने जो कहा था चेहरे का पर्दा इख्तलाफी है उन लिबरल ख़वातीन के लिए जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि कुछ ना होने से बेहतर है कि वो चेहरा खोल लें बाकी जिसम ढांप लें जैसे एक्ट्रेस होती हैं टी वी पर आ रही हैं यार चलो कुछ समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग लेकिन फतवा इसी पर है कि औरत जवान लड़की पर चेहरे का पर्दा भी फ़र्ज़ है इख्तलाफ का फ़ायदा उसको दिया जाएगा जिसको दीन के करीब लाया जाए जैसे जो लोग वो चाइना वाले कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं कोई चाइनीज़ मुसलमान हो अब मैं कहूँ झींगा मकरू है तो उसको तो मैं कहूँगा तू झींगा खा ले ठीक है ना फ़िक़ हन्फी में जायज़ नहीं बाकी फ़ुकाह जायज़ कहते हैं अगरचे हमारे यहाँ दलाइल हमारी राय में फ़िके हन्फी के बड़े मज़बूत हैं क्योंकि पूरी ज़िंदगी नबी सहाबा से कहीं भी साबित नहीं है कि मछली के अलावा कुछ उन्होंने खाया हो वो अभी दलाइल का मौके नहीं है लेकिन बाहर बाद ले इख्तलाफी चीज़ है तो इख्तलाफ का फ़ायदा हम उसको देंगे जो क्या खा रहा है जो पता नहीं क्या क्या खा के आया है तो अब तू झींगा खा ले ये तो वैसी इख्तलाफी चीज़ है यार चल लेकिन जो नहीं खा रहा उसको मैं झींगे ले जा ले जा खिलाऊं कि इख्तलाफी चीज है खा ले अबे भाई खाने के लिए मछलियां बहुत हैं वो खा लो तो जो खुतन बेचारी बिल्कुल बेपरदा है उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है तो यार हम उनको कहते हैं कि शायद इससे अल्लाह आपको गुनाह से बचा ले इख्तलाफी मसला है तो चेहरा खोल लो बाकी बॉडी छुपाओ लेकिन नॉर्मल ख़वान जिनको ये क्यों वो तो भाई छुपाएं चेहरा औरत का तो फितना है ही किसमें जवान लड़की के चेहरा ही तो है जो फितने की जगह है अच्छा भाई अफ़ान अहमद के लिए दुआ की दरख्वास्त है इनकी उम्र छः बरस है अल्लाह पा कि से नसीहत अल्लाह पाक कि से मुकम्ल सेहत फरमाए दिल से दुआ जी अल्लाह ताली सेहत हत फरमाए उन बहुत तो सारे हो गए जदो हस्पितों में थाना और तहसील वग़ैरह में सिफ़ारिश करके दूसरे लोगों से आगे हो जाते हैं इस किस्म की सिफारिश के बारे में शरीत का क्या हुक्म है किसी का हक मार के सिफ़ारिश करके किसी को आगे ले आना ये नाजायज़ है किसी का हक मारा ना जा रहा हो और वो आदमी उस जॉब का अहल भी हो फिर सिफ़ारिश करना सुन्नत है सवाब है क़ुरान कह रहे हैं मैं यशफ़ा शफा हसनतन हसनआता नसीब उम्मिन्हा जो किसी की सिफ़ारिश करेगा तो उसको तो फ़ायदा होगा सिफारिश करने वाले को भी अल्लाह जरता फ़रमाएंगे लेकिन ये जायज़ सिफ़ारिश है ना अहल की सिफारिश करके लगवा देना ठीक नहीं है शादी में दूल्हे को तो लिफाफा मिलता है गया सूद का हुक्म सूद का हुक्म तो नहीं है लेकिन ये है फिर भी सही नहीं है डॉक्टर उलमा को फरमाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अकायद अक्सर उलमा फ़रमाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अकायद दुरुस्त नहीं और इसके ख़िलाफ़ बयान भी देने लगते हैं तो क्या डॉक्टर जाकिर नाइक के अकायद दुरुस्त हैं सौ फीसद दुरुस्त हैं भाई कोई उलमा नहीं कहते हैं ऐसी जो बहुत ही कुछ महदूद किस्म के फ़िरका कप्रस किस्म के लोग हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बोलते हैं बाकी हमने तो जो जिस आलिम से भी डॉक्टर जाकिर नायक से तो मेरी दो दफ़ा बड़ी तवील मुलाकातें हुई हैं तो उन्होंने बताया कि जितना मुझे पाकिस्तान केलामा सपोर्ट करते हैं इतना कोई भी नहीं करता दीनी मामला में ख़ूब समझ लो अलहद अल्लाह ने हमारे मुल्क को बहुत अहमियत दी है कहीं भी दुनिया में मसला होना मज़हबी एतबार से तो पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अब भी सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान कर रहा है हरमैन का दिफा कौन कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है खुद उनको अपने दिफा के लिए ये हमारी ज़रूरत है और खर्चा के मदारस देख लो पूरी दुनिया में जहाँ भी मैं गया हूँ दीनी मदरसे इंडियन और पाकिस्तानी ने बनाए हुए ये तो एक ही ज़मीन है ना इंडिया पाकिस्तान कल्चर तो एक ही है और दो कौमें इसमें सबसे आगे गुजराती जहाँ भी दुनिया में जाओ गुजराती ताजरों ने मदरसा ज़रूर बनाया हुए अपने ख़र्चे पर मदरसे आपकी भरमा है वहाँ साउथ अफ्रीका में लंदन में ऑस्ट्रेलिया में अब भाई ये किसका मदरसा गुजरातियों का तो गुजराती कौम एक और कौम ही जहन से निकल गया वो वो उनका कम है लेकिन उनका भी बहुत है लेकिन गुजराती इसमें सबसे आगे हैं ये तजारत की बरकत है जो आदमी मुलाजिम पेशा होता है ना वो कोई दुनिया में अपनी कौम के लिए खिदमत नहीं कर पाता वो अपने बॉस की वेट लिफ्टिंग में टाइम लगाता है हकीकत बता रो उसकी सारी जो आ, क्या नाम है काबलीत का फ़ायदा बॉस उठाता है तो ऐसी जगह जॉब करो जहाँ आपके बॉस का कोई बड़ा मकसद हो कोई बड़ा विजन हो फिर आप उसके जैसे मदरसों में जो जॉब कर रहे हैं वजह क्या है जी बॉस उसका मकसद दीन की इशात तो वहाँ जॉब में आप उसके विजन का हिस्सा बन रहे हो उसकी जात के लिए को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे उसके विजन को विजन के लिए सब जैसे फौज में कोई जॉब करता है हम कहते हैं बहुत अच्छा है वजह क्या है मुल्क के दिफा एक बड़ा विजन है ना तो यहां जॉब करके आप अपने बॉस को फायदा नहीं पहुंचा रहे आप एक इदारे को फायदा पहुंचा रहे हो और वो इदारा आपकी कंट्री और आपकी आवाम को फायदा पहुंचा रहे है। अब एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है छालियां बेचने वाली कंपनी में जॉब करके क्या कर रहा है तू माजरत के साथ अबे तबे पे आता हूं मैं समझाने के लिए इससे आप जॉब करके आपकी सारी काबिलियत का फायदा वो छालियां वाली कंपनी का जो ओनर है वो उठा रहा है आपकी सलाहियतें उसमें जाया हो रही है सीए आपने किया है और आप छालियों की कंपनी के ऑडिट कर रहे हो आपने जो इतना इतना दिमाग लगा कि इलम हासिल किया उस इल्म का फायदा लॉलीपॉप बनाने वाली कंपनी इस्तेमाल कर रही है ऐसी जगह जॉब करो जहां उनका विजन बड़ा हो तो आप उस विजन का हिस्सा बन जाओगे वरना फिर जॉब ना करो वरना फिर क्या करो बिजनेस करो आप तो ताजर आदमी सर उठा के पूरी दुनिया में जीता है ये तो मुसलमानों ने खिलाफत ओस्मानिया के ख़ात्मे के बाद अंग्रेज़ों ने लिए आके ना सबको जॉब पे लगा दिया मुसलमान ये काम नहीं करता था अभी भी आप देख लो जिन इलाकों में अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं की है ना या सही मज़बूत हुकूमत कायम नहीं कर सका है वहाँ जॉब का रेशो नहीं है ये जो हमारी पश्तो पट्टी है ये पट्टी इधर वजीरिस्तान की हो गई कोयटा की इधर यह अंग्रेज़ों की मजबूत हुकूमत नहीं बनी है यहाँ आपको ताजर ज़्यादा मिलेंगे यहाँ आपको ताजर ज़्यादा मिलेंगे हिंदुस्तान में लखनऊ में दिल्ली में इन जगहों पर हुकूमत अंग्रेज़ ने बड़ी भरपूर हुकूमत की यहाँ के मुसलमान आपको सारे कमाऊ पूत वो जा रहे हैं सुबह ऑफिस टाइम पे जा रहे हैं बड़े वो आ गए अपनी तनख्वाह मिली इस पर बड़े खुश हैं मुझे माशाल्लाह मेरी अच्छी जॉब मिल गई वह भाई अपना बिजनेस होता है तो देखो तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है मैं गुजरात के ताजरों को देखता हूँ जहाँ भी जाओ अल्लाह ने इतना पैसा दिया तिजारत में तो बढ़ती है अच्छा जॉब में एक नुकसान क्या है आपकी काबिलियत का आपके बच्चे को कोई फायदा नहीं होगा आपका बच्चा जीरो पे खड़ा होगा आपने सीए किया मर गए तो बच्चा सीए हो जाएगा वो नए सिरे से पढ़ेगा लेकिन आपने मेरे भाई गोले गंडा भी अगर रेडी लगा ली ना सही है ना जब आप मरोगे तो आपका बच्चा छह रेडियां उसको गोले गंडे गोले गंडा एक मिसाल दे रहा हूं ऐसा ना हो कि गोले गंडे का कारोबार शुरू कर दें यानी बहुत कमतर भी अगर होगा तो जहां से आप छोड़ के जाओगे बच्चा जीरो से नहीं शुरू करेगा आपके बच्चे वहां से आगे ले जाएंगे मैं तो अब दुनिया में सफ़र कर रहा हूं मैं अरब पति ताजरों से मिलता हूं मैं कहता हूं तुमने इतना कैसे तिजारत कह रहे हैं। भाई हमारे दादा के अबू ने बिज़नेस शुरू किया था उस वक्त इतना नहीं था अब चार छः नस्लों में जाके कहां तक पहुंचा दिया उन्होंने तो इसलिए बिज़नेस को तो ताजर हो गए तो मदरसे में भी पैसा खर्च करोगे मज़द अपने अपने इस्लामी हुकूमतों में जब होती ताजर अपने जाति मदरसे चलाते थे ये मदरसा ऐसा जिसमें किसी को चंदा देने की जात नहीं ये सारा मेरे खर्चे पे चलेगा तो ये ताजर लोग ये काम कर सकते हैं कमाऊपूत ये काम नहीं कर सकता वो बेचारा बॉस के ज़्यादा मैं फसाइल नहीं सुनाऊँगा बॉस भी बहुत से बैठे हुए होंगे ना बोलेंगे अभी क्या कर रहे हैं नशे की हालत में गुस्से में या दोस्तों के बीच में अगर मुंह से तलाक का लफ्ज़ निकल जाए तो वो हो जाएगी जी हो जाएगी मुंह से ही निकलता है तलाक का लफ्ज़ और कहाँ से निकलेगा तलाक का लफ्ज़ आप क्या चाहते हैं कहाँ से निकले ठीक <laughs> है